बच्चों कैसे हम लोग, उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज है इजी किल क्वेश्चंस का सेशन। अक्सर लोगों को लगता है कि जेई एडवांस में सिर्फ और सिर्फ लेंथी सवाल आते हैं, बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट वाले सवाल आते हैं। ना जी, गलत लगता है। अगर मैं आपको एकदम सच बात बताऊं तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको इजीली तुम किल कर सकते हो, जो सिर्फ बेटा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जेई एडवांस 2022 की बेटा मैं बात करूं, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो भाई जो कट ऑफ था जनरल का वो 55 मार्क्स था। 360 में अगर आपके 55 नंबर आ गए थे तो भाई आपके रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया था और आप जेई एडवांस में सिलेक्ट हो गए थे। और जो इंडिविजुअल कट ऑफ था वो था 5 नंबर, फिजिक्स का 5 नंबर, केमिस्ट्री का 5 नंबर और मैथ्स का 5 नंबर। तो भाई आपके सामने मैं टोटल 11 या 12 सवाल लेके आया हूं जिनका वेटेज टोटल मिला के 49 मार्क्स है। आप समझ रहे हो भाई, मैथ्स में ही अगर भाई आप 49 नंबर इजीली स्कोर कर सकते थे और जो बाकी जो 5-5 नंबर हैं, मेरी बात समझ रहे हो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाते तो 59 नंबर हो जाते और आपका इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर हो जाता। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है इजी किल क्वेश्चंस के सेशन में और आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है बच्चों पहला सवाल जो भाई जेई एडवांस में, अब मैंने ये लिखा है कि ये पहली शिफ्ट का सवाल था या फिर पेपर 2 का सवाल था या फिर पेपर 1 का सवाल था, लेकिन भाई आप देखो इसका जो वेटेज था ये भाई 3 नंबर का सवाल था। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ऐसा सवाल आपने कहीं ना कहीं पक्का करके रखा होगा। जैसे आप यहां पर ध्यान दो, आपसे ये बोला गया है, चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, पॉज कर लो, आ जाओ। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, आपसे कहा गया है सर एक्स की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज को आप निकालो और साथ में सर उनका प्रोडक्ट लो और वो जो एक्स वाली चीज है वो ये इक्वेशन दी गई है सर। हाँ, तो देखो ये आपको लॉग में पता है, लॉग में आपको पता है कि सर हम लोगों को क्या करना होता है, क्या करना होता है। मैंने कहा सर देखो अगर आपको कोई भी लॉग का सर अगर सवाल करना है, अगर आपको कोई भी लॉग का सवाल करना है, सबसे पहले भाई साहब आपको क्या लेना होता है, आपको लेना होता है भैया बोथ द साइड्स लॉग टू द बेस 5 है सर। हाँ, लॉग टू द बेस 5 सर। लॉग टू द बेस 5 क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो पूरा का पूरा माहौल लॉग टू द बेस 5 में है, तो मैंने देखो भैया लॉग टू द बेस 5 मैंने दोनों साइड्स लिया है तो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा लॉग टू द बेस 5 यहां पे दिख रहा होगा भैया एक्स की पावर 16 लॉग 5 बहुत सही का होल क्यूब बहुत सही -68 टाइम्स लॉग 5x बहुत ज्यादा सही। देख रहे भैया ये सारी चीजें पावर में है सर। हाँ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई लॉग टू द बेस 5 और 5 की पावर कितना हो जाएगा भाई -16 है सर। आर्त्या है सर, बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम सही। अब देखिए भैया इसके आगे देखिए हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। राइटिंग सही लग रही, देख लो स्क्रीन में राइटिंग सही लग रही है। अब आपको ये समझ में आ रहा है सर ये जो कंप्लीट जो पावर है, ये कंप्लीट पावर लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार ये आगे आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी है सर। हाँ, अब जैसे भैया आगे आके मल्टीप्लाई होगी तो यहां दिखेगा सर 16 इंटू लॉग 5 एक्स का होल क्यूब है, माइनस कितना आ जाएगा भाई 68 इंटू लॉग 5x है सर। हाँ, और ये पूरे से सर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सर, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग 5x। बस देखो कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन मेरी, कंसेप्ट तुम्हारा। सर ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर देखो -16 आगे आके सर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है सर, -16 आगे मल्टीप्लाई होगा, बचेगा सर क्या, मैंने कहा सर बचेगा लॉग 5 है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया एक चीज बताइए, व्हाट इज लॉग 5x, सबको पता है सर लॉग 5x की वैल्यू 1 होती है। अब देखो भैया यहां भी आपको लॉग 5x दिख रहा है, यहां भी लॉग 5x दिख रहा है, यहां भी लॉग 5x दिख रहा है, यानी सर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग लॉग 5x को सर टी अज्यूम कर सकते हैं है सर। हाँ, और भाई साहब ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बेटा हम लोग 1 पुट कर सकते हैं है सर, और क्या होते सर, बिल्कुल। आइए भाई साहब जरा नेक्स्ट पेज में आइए, आइए थोड़ा भौकाल मचाते हैं। तो देखिए सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 16t³ है सर। हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा -68t है सर। हाँ, -68t और सर देखिए पूरे में क्या मल्टीप्लाई होगा, पूरे में सर मल्टीप्लाई होगा टी, और ये सर किसके बराबर होगा, ये सर बराबर होगा -16 के।
ठीक है भाई, कंसेप्ट हमारा, कैलकुलेशन तुम्हारा। होते सर बिल्कुल सही। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे जरा, हाँ सर बताइए। अब देखिए सर नेक्स्ट चीज क्या है आपको क्लियर सर, देखो फोर से ये सारी चीजें कट जाएंगी, मतलब फोर इसमें कॉमन लेके काट सकते हो, तो सर ये आ जाएगा सर फोर इंटू टी की पावर फोर, माइनस कितना आ जाएगा सर 17 इंटू टी स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। बेटा मैंने बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन किया है जो तुम भी बेटा कर सकते हो। बहुत सही है सर, हाँ बहुत सही सर। अगला स्टेप बता दो, और भाई साहब अगला स्टेप बताता हूं सर। यहां पे क्या करो सर, टी स्क्वायर को कितना ले लो सर, पी ले लो। जैसे टी स्क्वायर को पी लोगे आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 17p प्लस 4 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो सर। जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे आपको पता है सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे 4p स्क्वायर माइनस 16p माइनस पी प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। सिंपल सी सर कैलकुलेशन है। अब देखिए सर ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर देखो इससे सर 4p ले लो कॉमन, बचेगा क्या सर, बचेगा पी माइनस 4। सर माइनस 1 ले लो कॉमन, बचेगा पी माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत सही, यानी सर अगर आप और फैक्टराइज करोगे ये बचेगा 4p माइनस 1 इंटू पी माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी सर p का वैल्यू कितना आया, एक आया 1/4, दूसरा आया 4, और सर p होता क्या है सर, p होता है टी स्क्वेयर है सर। हाँ बेटा अब देखो भैया, आप एक बार टी स्क्वायर को 4 से इक्वेट करोगे तो देखो भैया टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक आएगा 2, दूसरा आएगा सर माइनस 2, तीसरा आएगा सर हाफ, सर चौथा कितना आएगा सर माइनस हाफ है सर। हाँ और देखो टी आपको दिया क्या है सर, टी आपको दिया हुआ है क्या सर, लॉग 5x दिया हुआ है टी। बहुत ज्यादा सही है सर, हाँ यानी सर लॉग 5x जो आपको यहां पे दिख रहा है इसकी एक वैल्यू कितनी होगी सर, 2 होगी। सर इसकी दूसरी वैल्यू सर कितनी होगी, मैंने कहा सर दूसरी वैल्यू हाफ होगी। सर जो लॉग 5x है इसकी अगली वैल्यू कितनी होगी, एक माइनस 2 होगी। क्लियर है भाई, क्योंकि टी क्या है, 2 है, माइनस 2 है, हाफ है, माइनस हाफ है सर। हाँ अब देख लो भैया नेक्स्ट क्या होगा, मैंने कहा सर नेक्स्ट होगा सर जो लॉग 5x है इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 2 होगी है सर। हाँ होते सर बिल्कुल है सर, एकदम सही, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा सही है सर। आइए ना इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो भैया जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, कैसे आएगी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या भैया, एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की पावर हाफ, मतलब सर रूट 5 आ जाएगी, ये तो भैया लॉग से सॉल्व कर रहे हैं। सर तीसरी वैल्यू क्या आएगी, मैंने कहा सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर -2, बहुत सही। और नेक्स्ट क्या आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी सर, देखो एक तो माइनस 2 हो गया, 2 हो गया, अच्छा माइनस हाफ बचा हुआ है, मैंने बेटा माइनस हाफ नहीं लिखा है, एक आ जाएगी माइनस हाफ, मतलब सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर -1 है सर। हाँ अब आपको दिख रहा है सर व्हाट इज 5 की पावर -1, अब आपको पता है सर 5 की पावर -1 क्या होता है सर, 1/√5 होता है। तो देखो भैया आपको यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, क्या दिया गया है कि x की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है आपको, सवाल में देखो भैया लिख के दिया है कि x की पॉजिटिव रियल वैल्यूज लेनी है। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि x 5 की पावर -2 भी हो सकता है, मतलब ये कितना आता है 1/25 आता है, सॉल्व कर लेना 5 की पावर -2 क्या होगा 1/25, ये भी पॉजिटिव है सर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी सर नेक्स्ट पेज में मैं इसका देखो भैया प्रोडक्ट ले सकता हूं है सर। हाँ ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज का जैसे आप प्रोडक्ट लोगे तो यह आ जाएगा सर देखो 25 × 1/25 इंटू कितना आएगा भाई साहब √5, और लास्ट क्या आएगा भैया 1/√5, सब कैंसिल होके कितना आ जाएगा भाई 1, और 1 इसका भैया आंसर है सर। हाँ बेटा होते सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया इस वाले सवाल में आपने बहुत ज्यादा भैया क्लियरली देखा क्या कि सर कितना इजी सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अगर दोनों साइड आपने लॉग ले लिया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, अगर आपने दोनों साइड बाई लॉग ले लिया है, यहां पे जैसे लॉग टू द बाई बेस 5 लिया था बोथ द साइड, तो ये सवाल इजी हो जाता है। जिसको लॉग की बेसिक भी नॉलेज है वो भाई साहब ये सवाल कर लेगा। होते सर, हाँ है सर, हाँ बढ़िया सर, हाँ बहुत अच्छे सर बिल्कुल। अब देखो भैया क्या आ जाएगा सर नेक्स्ट सवाल, ठीक है भाई। अब देखो इसमें ये बोला क्या है आपको, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF, ITF मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर। हाँ द वैल्यू ऑफ दिस बतानी है सर। हाँ वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं हट गया, मेरे ख्याल से खुद से आपने ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी है सर। हाँ
अब देखो भैया, आपने अगर ITF पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली ये सारे सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस भी करी है, समझ लो अगर आपने सबसे बेसिक मटेरियल भी लगाया है, अगर आपने हाँ बहुत भौकाल सवाल ITF के नहीं लगाए हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल भी लगाए हैं, तब भी बेटा यार सवाल आप खुद से कर सकते हो, है सर? यस बेटा। देखो अब आपको पता है सर, जो ITF वाले सवाल होते हैं, किसी एक को भैया मेरे को थीटा मानना होता है, बहुत बढ़िया। आओ बेटा कुन्ने में आ जाओ, कुन्ने में आ जाओ सर, बिल्कुल बेटा कुन्ने में आ जाओ। अब देखो भैया सबसे अच्छा एक्सप्रेशन मुझे तो यही लग रहा है, यहां देखो रूट में टू प्लस रूट पाई स्क्वायर समथिंग, यहां पे टू रूट टू पाई अपॉन टू प्लस पाई स्क्वायर, यहां पे टैन इनवर्स रूट टू बाई पाई। तो देखो भैया मैं क्या कर रहा हूं यार, वैसे मैं थीटा किसी को भी मान सकता था, इसको भी थीटा मान सकता था, इसे भी थीटा मान सकता था, पर थोड़े से गंदे एक्सप्रेशन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इतना बेटा हमें समझ में आ जाता है क्या कि सर ये जो हम लोग को दिया हुआ है टैन इनवर्स रूट टू अपॉन पाई, इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग थीटा। बहुत सही, ठीक है भाई, इसको मान लेते हैं थीटा। अब देखिए आपको ये पता है सर, ये जो वैल्यू है रूट टू होता है 1.414, पाई होता है 3.14, आपको ये समझ में आ रहा है सर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, क्या बात सही है? डिवाइड करके तुम देख सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हारी कंसेप्ट हमारा। और भाई साहब यहां पे ध्यान दो, है सर? हाँ, और बेटा यहां पे जरा ध्यान दो। अब बताओ मुन्ना, अगर ये मुझे समझ में आ गया सिंपल सी चीज कि ये जो लिखा हुआ है अगर सर ये 0 से 1 के बीच में है, है सर? हाँ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये सर ये जो थीटा है सर ये 0 से π/4 के बीच में होगा। बढ़िया सर, हाँ 0 से π/4 के बीच में होगा, ठीक है भाई, क्योंकि tan थीटा 0 से π/4 के बीच में 0 से 1 के बीच में आता है, ये चीज आप समझ गए होंगे, है सर? मैं बार बार कह रहा हूं भैया ये जो सेशन है इसका ये मेन इरादा नहीं है कि आपको मतलब समझ रहे हो कि आपको बेसिक से पूरा पढ़ाया जाए, बस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको चीजें आती हैं तो ये सवाल आप बहुत इजिली बहुत कम टाइम में कर सकते थे। समझ में आ रहा है भाई? अब इधर आ जाओ, है सर? हाँ, अब देखो भैया इसका मतलब क्या है, मैं ये समझ गया सर, इसका मतलब ये है कि सर जो tan ऑफ थीटा है ये किसके बराबर होगा सर? ये रूट टू अपॉन पाई के बराबर होगा। थैंक यू सो मच। इसका मतलब क्या है सर, पाई का वैल्यू क्या होगा? सर आप पाई की वैल्यू ही क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि सारे एक्सप्रेशन देखो भैया पाई के टर्म्स में है, है सर? हाँ, अब देखो भैया पाई कितना आ जाएगा, सिंपल आ गया सर, पाई आ जाएगा रूट टू अपॉन tan थीटा, है सर? हाँ, रूट टू अपॉन tan थीटा। अब ध्यान देना tan थीटा ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर रूट टू इंटू cot थीटा, है सर? हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, यानी सर पाई का वैल्यू हो गया है रूट टू cot थीटा। अब क्या करें सर जी, अभी तो भैया क्या करना है, ये जो पाई की वैल्यू है आप इस पूरे में देखो पुट कर सकते हो, है सर? हाँ, इस देखो भैया पूरे में बेटा आप देखो इसको पुट कर सकते हो। बढ़िया सर, बढ़िया। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा क्या, अब जैसे भैया यहां पे पुट करोगे देखो आपको क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा 3/2, यहां पे क्या दिखेगा बेटा कॉज इनवर्स, यहां अंदर क्या दिखेगा भाई 2 अपॉन में क्या दिखेगा 2 प्लस पाई स्क्वायर, बताओ भाई पाई का स्क्वायर क्या होगा 2 cot स्क्वायर थीटा। बहुत सही, तो यहां पे आप लिख सकते हो सर 2 cot स्क्वायर थीटा, है सर? हाँ, 2 cot स्क्वायर थीटा। बढ़िया सर, बढ़िया। अब ध्यान दीजिए भैया दूसरा आता है सर, दूसरा क्या है 1/4, फिर क्या है सर साइन इनवर्स, थैंक यू, फिर ऊपर क्या है भाई 2 रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर रख के पुट करो सर ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर के थीटा। अब देखो भाई सिंपल की चीज, यहां पे पाई को रूट टू cot थीटा पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी इस पूरे का आपने वैल्यू कितना मान लिया है सर, इस पूरे का वैल्यू ऑलरेडी बेटा मैंने माना हुआ है थीटा, तो इसको डायरेक्टली पुट कर दो थीटा, है सर? अगर पुट कर देते तब भी थीटा आता, इससे अच्छा स्मार्टली प्ले करो। तो जेई एडवांस अगर इजी सवाल देगा तो आपको स्मार्टली प्ले करने के लिए बोलेगा, है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल ऑन है सर। अब देखो चाचा जी, आए सर? हाँ, आइए भैया सॉल्व करते हैं। आपको पता है सर ये 2 कॉमन लोगे ये 2 कट जाएगा, है सर? हाँ, अब देखो नीचे क्या बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, पूरी दुनिया जानती है सर ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, बात सही है ना? ये क्या हो जाएगा भैया cosec स्क्वायर थीटा, तो आपको दिख रहा है सर नीचे क्या है cosec स्क्वायर थीटा, है सर? हाँ, अब बताओ सर ये cosec स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है सर? हाँ, वो क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा 3/2, थैंक यू, इनटू कितना है भैया
कॉज इनवर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा भैया, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप समझ गए हो बेटा मैंने क्या करा? फिर से सुन लो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया रूट साइन स्क्वायर थीटा। अगर पेन चलाएगा आप भी बेटा यहीं पे पहुंच जाएगा, है सर। हाँ, अब यहां पर भैया ध्यान दीजिएगा जरा, जो ये नेक्स्ट वाली जो चीज है इसमें देखो एक एक तो भैया टू कट गया है, है सर। हाँ, अच्छा ये मैंने पाई की वैल्यू यहां पे नहीं पुट करी, तो देखो यहां पे बेटा मैं पुट कर सकता हूं, सर पाई कितना है? मैंने कहा सर पाई है रूट टू कॉट थीटा। थैंक यू सर, दिख रहा है ना भैया रूट टू कॉट थीटा, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। अब यहां पे मुन्ना जरा ध्यान दीजिएगा सर, ये बचा वन बाई फोर, बहुत से टू टू कट गया, रूट टू हो गया टू, क्या दिखा सर? ये बचा साइन इनवर्स, अंदर बचा बेटा टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा, है सर। पूरे में क्या ऐड होगा भाई साहब? थीटा। बढ़िया सर, बढ़िया। अब जरा भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है? व्हाट इज कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मुन्ना, हाँ मुन्ना मुन्ना पॉज पॉज करके सॉल्व जरूर बेटा करते रहना, है सर। हाँ, अब यहां देखो भैया व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेटा कॉस अपॉन साइन थीटा, मैं बस इसको बेटा सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। नीचे क्या है भाई साहब? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन साइन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। बढ़िया सर, बढ़िया, सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन अब टू भी मल्टीप्लाइड है तो ये आ गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा? साइन टू थीटा। बढ़िया सर, बढ़िया। यानी सर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इस पूरे को क्या मान सकते हैं? इस पूरे को मान सकते हैं साइन टू थीटा। बढ़िया सर, अब एक चीज बताओ सर ये कैसे खुलेगा? मैंने कहा सर ये खुलेगा क्योंकि रूट है इसलिए मॉड साइन थीटा से। अब आपको भाई साहब ये पता है क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि थीटा जीरो से पाई बाई फोर है। प्रिंसिपल वैल्यू लेने को कहा गया, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ही ली है। इसका मतलब क्या है सर? ये प्लस से खुलेगा तो ये दिखेगा सर साइन ऑफ थीटा, है सर। हाँ बेटा, वो तो सर बिल्कुल सही बेटा। जल्दी भैया टीप लो, जल्दी भैया टीप लो, टीपने का मतलब लिख लो सर। इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा देखो भैया इसका मतलब ये है सर, ये आपको दिखेगा दिस इक्वल्स टू थ्री बाई टू कॉज इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, बहुत सही। प्लस क्या दिखेगा सर? वन बाई फोर, है सर। प्लस क्या दिखेगा सर? वन बाई फोर साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। प्लस क्या दिखेगा भाई? प्लस दिखेगा थीटा, है सर। अब जरा ध्यान देना, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, साइन समथिंग। तो आपको पता है सर इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो सर ये आ जाएगा टू थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर थीटा आपको दिया हुआ है जीरो से पाई बाई फोर, क्योंकि भैया दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये तो दिया हुआ है। कहां पे दिया है सर? ये दिया हुआ है सर। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब सर टू थीटा क्या होगा? जीरो से पाई बाई टू होते सर। हाँ, बस ऐसे ही बता दिया, है सर। हाँ, अब उन्ना जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बताइए सर। अब देखो भैया इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं भाई कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा, है सर। हाँ, अब देख लो भैया ये पूरा क्या दिखेगा आपको? थ्री बाई टू कॉज इनवर्स, है सर। हाँ, कॉज ऑफ, है सर, पाई बाई टू, बहुत सही, माइनस ऑफ थीटा। ये दिखेगा भैया टू थीटा डिवाइडेड बाई फोर। प्लस क्या दिखेगा सर? थीटा, है सर। हाँ, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया कॉज इनवर्स ऑफ कॉज है तो भैया जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा, है सर। हाँ, अगर जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, है सर। हाँ, देखो ये किसके बराबर होगा सर? ये आपको दिखेगा थ्री बाई टू, ये क्या दिखेगा सर? पाई बाई टू माइनस थीटा। क्या स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रही है, बहुत अच्छे बेटा। ये भैया पाई बाई टू प्लस थीटा जैसे ऐड करोगे सर ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, बहुत सही, थ्री पाई नहीं सॉरी थ्री थीटा बाई टू। थैंक यू सर। अब देखो भैया क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा सर देखो थ्री पाई बाई फोर, बहुत अच्छे, माइनस थ्री थीटा बाई टू, बहुत अच्छे, प्लस थ्री थीटा बाई टू, बहुत ज्यादा अच्छे, है सर। हाँ, ये लो काट दिया, कितना बचा आंसर? आंसर बचा सर थ्री पाई बाई फोर। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख देना, यही भैया इसका आंसर है, ठीक भैया। पाई को 3.14 पुट करके भैया इसको सॉल्व कर लेना, सही बात है ना यार? था ना इजी सवाल? अब मुझे समझाना पड़ता है, एक एक चीज बोलनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप खुद से करोगे तो भैया आपको टाइम नहीं लगेगा, है सर। हाँ बेटा, होते सर बिल्कुल सर बेटा। तो देखो भैया दो सवाल बहुत इजी सवाल, ये भैया देखो तीन नंबर का सवाल था, तीन नंबर सिक्योर, ये भी तीन नंबर का सवाल था,
नंबर सिक्योर। सर मैच का कट ऑफ कितना था? मैंने देखो भैया मैच का जो कट ऑफ था, मैच का कट ऑफ था भैया 6 नंबर। मैच का कितना कट ऑफ था? 6 नंबर, और सॉरी 5 नंबर था, 5 नंबर था। और भाई देखो 6 नंबर मैंने अभी आपके सामने आपको दिला दिए हैं। है सर बिल्कुल सही बेटा। अब आता है भैया तीसरा सवाल। ये तो महा इजी सवाल था, महा इजी सवाल था। ऐसा सवाल भैया अक्सर देखने को मिल जाता है। बढ़िया सर, और त्या आइए चाचा जी आ जाए सर। आपको बोला क्या है कि सर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है। है सर, जिसका भाई साहब नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है। मेरी बात समझे, इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा सर Z जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z देखोगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। है सर हाँ। अब आपको ये बोला गया है सवाल में कि ये एक्सप्रेशन जो है वो रियल नंबर है। है सर हाँ। तो आपको mod Z स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बढ़िया सर बढ़िया। अभी यहां पर जरा ध्यान देना सर, mod Z की नहीं mod Z स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये भी 3 नंबर का सवाल था। तो भाई वीडियो को पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। है सर हाँ। अब यहां पर भैया ध्यान दो सर, क्या बोला गया है? मैंने कहा देखो भाई यहां पे ये बोला गया है कि सर ये रियल नंबर है तो चुपके से लिख दो 2 + 3z + 4z² / 2 - 3z + 4z² सर ये क्या है? मैंने कहा ये रियल नंबर है। मतलब बेटा z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है पर ये बोला गया है कि यहां पे z पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये रियल आता है। है सर हाँ। होते सर हाँ। अब देखो भैया सोलह सवाल में क्या है सर, यहां पे टू दिख रहा है ना बेटा, यहां पे 4z² यहां पे 4z², इसने दुखी कर दिया क्यों? +3z और -3z। हम भैया दुखी हो गए, हमने कहा देखो सर सेम चल रहा था, +2 + 2 + 4 + 4, दुखी यहां पे हो गए, यहां पे प्लस यहां पे माइनस। अरे सर हाँ। तो देखो भैया ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, ये सवाल कभी रिपीट होना नहीं है, परंतु ऐसे सवाल आप बचपन से करते आए हो जब न्यूमरेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर की तरह बनाते हैं। सर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो भाई कैसे बनाएंगे, ये दिया है सर 2 + 3z, बहुत सही, प्लस कितना दिया है सर 4z², नीचे देखो 2 और 4z² तो है लेकिन -3z नहीं है ऊपर। तो देखो भैया मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर -3z करता हूं और भैया +3z करता हूं। सर माइनस क्यों करा? जिसमें डिनोमिनेटर जैसा दिखे, अभी आगे और समझ में आएगा। सर +3z क्यों किया? क्योंकि अगर ऊपर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उतना ऐड भी तो करना होगा। है सर हाँ। होल डिवाइडेड बाय बताओ सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा सर 2 - 3z प्लस कितना आ जाएगा 4z² सर, ये क्या हो जाएगा सर? रियल नंबर है सर हाँ। अब यहां भाई साहब ध्यान दीजिएगा सर, ये 2 है, -3z है, +4z² है, इनको साथ में कर लो तो देखो ये कैसा दिखेगा सर, 2 - 3z बहुत सही, +4z² बहुत सही। अब ध्यान देना 3z कितना होता है बेटा, जैसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा सर 6z। है सर। अब देखो होल डिवाइडेड बाय देखो बेटा कितना होगा सर, ये हो जाएगा 2 - 3z प्लस कितना आ जाएगा सर 4z² बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा भाई, रियल नंबर। है सर हाँ। अब जरा चाचा जी और ध्यान दीजिएगा, क्या 2 - 3z + 4z² 2 - 3z + 4z², अब देखिएगा चाचा जी क्या, अब देखो भाई जैसे आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये देखो डिवाइड करते ही सर कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा सर 6z अपॉन, समझे ना, इससे को इससे डिवाइड किया, ठीक है, इतने को इससे किया और फिर क्या किया सर, इतने को इससे किया। तो देखो सर ये कैसा दिखेगा, मैंने कहा दिखेगा सर ये 6 / 2 - 3z प्लस कितना दिखेगा सर 4z², और ये पूरा देखो रियल नंबर ही तो होगा क्योंकि सर ये रियल नंबर था, ऊपर ही एड सब्ट्रैक्ट किया वो भी रियल नंबर, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया वो भी रियल नंबर, और सिंप्लीफाई किया वो भी रियल नंबर। है सर हाँ बेटा। अब एक चीज देखिए सर, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा रियल नंबर का मतलब बस आयोटा नहीं होगा, रियल नंबर का मतलब क्या है? मान इसकी वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, -2 होगी, -7 होगी, 7/2 होगी, 22/7 होगी, √2 होगी, लेकिन इमेजिनरी इसमें पार्ट नहीं आने वाला है। है सर हाँ। अब देखो बेटा यहां सवाल देखो, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर बताओ, सर कैसे करेंगे सर हाँ। एक चीज बताओ, अगर मैं किसी नंबर में से, किसी रियल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मानो 2 होता है ये पूरा, 1 सब्ट्रैक्ट करूं 1 आया तो रियल नंबर है कि नहीं? मतलब सर अगर मैं रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब यहां पे देखो भैया अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या रियल नंबर होगा? यस, रियल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल नंबर ही तो आएगा। तो जैसे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां 1 भैया कट गया, तो यह आ जाएगा भैया 2 - 3z + 4z², ये भी एक देखो रियल नंबर होगा हाँ।
ये कोई दूसरा रियल नंबर है, ये कोई दूसरा रियल नंबर होगा, लेकिन होगा एक रियल नंबर। बोलो 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 बोलो, अगर समझ में आया जल्दी से कमेंट करो, बोलो बोलो दिल दिल, बोलो बोलो दिल दिल, करियर की कसम है, आपको कमेंट करना है। अब जल्दी यहां पे आ जाओ, आ जाओ सर। अब सर एक चीज देखना चाचा, क्या अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं किसी रियल नंबर को, अगर बेटा मैं डिवाइड कर दूं 6 से, तब भी वो रियल नंबर आएगा, है सर? और क्या, देखो 6 से डिवाइड करो तो 6 भी कट जाएगा, बचेगा क्या सर? z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। सर वो भी क्या होगा? सर वो भी देखो रियल नंबर होगा। हाँ, ये रियल नंबर दूसरा था, ये कुछ अलग था, और ये वाला कुछ अलग होगा, लेकिन होगा रियल नंबर। किसी रियल नंबर को मानो भाई साहब 3 होता, 6 से डिवाइड करते हाफ आ जाता, होता तो रियल नंबर ही है सर। हाँ, अब चाचा बताइए क्या किया जाए, है सर? हाँ, अब भाई साहब देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, अगर भाई साहब मेरी ये इच्छा हुई कि आओ सर इसका ऐसा करते हैं, सर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो बताओ यार किसी अगर रियल नंबर का आप उल्टा करोगे, मतलब रेसिप्रोकल लोगे, किसी रियल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो भी तो सर वो रियल नंबर ही होगा, है सर? हाँ, देखो भैया 2 माइनस 3z प्लस क्या आ गया सर? 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया भाई साहब? z, ये भी सर देखो रियल नंबर होगा, है सर? हाँ, अगला देखो भाई, अब जैसे z से डिवाइड करोगे क्या दिखेगा सर? ये दिखेगा 2 बाई z माइनस ऑफ 3 प्लस 4z, ये पूरा रियल नंबर। इसको भैया सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। अब बताओ यार, अगर हम यहां पे समझे 3 को ऐड कर दें, मतलब किसी रियल नंबर में मैंने 3 का एडिशन किया है, तो वो भी तो रियल नंबर होगा। तो भाई जैसे 3 ऐड करोगे तो यहां 3 भैया कट जाएगा, तो सर बचेगा क्या? बचेगा सर 2 अपॉन z प्लस बचेगा 4z, ये भी एक रियल नंबर होगा, है सर? हाँ, तो सर अब भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्या सर ये जो कंप्लीट आपको दिया हुआ है, अगर भाई साहब इसको मैं z1 मान लूं, है सर, अगर इसे भैया मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मान लूं, है सर? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं z1 मान लूं, अब जरा भाई साहब यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है? मैंने कहा सर अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है, ठीक है ना, अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो आपको पता है सर एक रिलेशन होती है z1 मस्ट इक्वल टू z1 बार। ये बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बेटा मैं बार बार ये कह रहा हूं, यहां पे मैं कंसेप्ट सिखाने नहीं आया हूं, बस इजी किल क्वेश्चंस को समझाने आया हूं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि जेई एडवांस में सिर्फ टफ सवाल नहीं आते, इजी सवाल भी आते हैं, है सर? हाँ, अब ये यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। हाँ, देखो भैया z1 क्या है? मैंने कहा सर z1 है 2 अपॉन z प्लस कितना है भैया 4z। सर z1 बार क्या होगा? मैंने कहा सर ये होगा 2 अपॉन z प्लस 4z का होल बार। बात समझ गए? हाँ, अब देखिए भैया इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा सर ये हो जाएगा 2 बाई z प्लस कितना आ जाएगा सर 4z, ये आ जाएगा, देखो भैया बार बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार अपॉन z बार, ये भैया प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, प्लस कितना आ जाएगा सर 4 बार z बार, ये सब में बटता है सर, 2 का बार 2 ही होता है, 4 का बार 4 ही होता है, है सर? हाँ, बहुत सही है सर। हाँ, अब देखिए भाई सब क्या, इनको और इनको साथ में, नहीं नहीं नहीं, इनको और इनको साथ में रखो, इनको और इनको साथ में रखो, है सर? हाँ, अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर देखो 2 बाई जेड माइनस आ जाएगा सर देखो 2 बाई जेड बार बराबर कितना आ जाएगा सर 4 जेड बार माइनस आ जाएगा सर 4z, ठीक है भाई? इसको इधर ले आया, उसको इधर ले आया, है सर? हाँ, अब यहां पे भाई साहब जरा थोड़ा और भी ध्यान दीजिएगा, क्या सर? अब देखो सर भैया एलसीएम पेल्सियम ले रहा हूं, ठीक है भाई, एलसीएम लूंगा पेल्सियम लूंगा, तो जैसे भैया 2 को कॉमन लूंगा तो आपको दिखेगा 1 बाई जेड बार माइनस 1 बाई जेड, बहुत सही, माइनस 1 बाई जेड, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, रुको रुको, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, सर याद आएगा 1 बाई जेड, याद आएगा जेड बार, याद आएगा सर 4 टाइम्स जेड माइनस जेड, बार कहां है? Z बार माइनस जेड, बहुत सही। अरे बेटा जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो से सो मत जाना, बिल्कुल पेन चलाते रहना, तभी भैया भौकाल की चरम सीमा तक तुम पहुंचोगे, समझे? अब यहां आ जाओ जल्दी से, अरे सर हाँ, अब यहां भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे लोगे एलसीएम तो यहां बचेगा Z बार माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड जेड बार, इसको अगर ले जाओ माइनस 4 टाइम्स जेड बार माइनस जेड इक्वल टू 0। सर एक चीज बताओ सर, दोनों में कॉमन क्या आएगा? मैंने कहा जेड बार माइनस जेड भैया दोनों में कॉमन आएगा, तो जैसे वैसे 2 टाइम्स जेड बार माइनस जेड दोनों में कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा क्या 1 अपॉन जेड जेड बार, बहुत सही, माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, है सर? हाँ, अब आपको यह भी पता है व्हाट इज जेड जेड बार,
मैंने कहा सर जेड जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर है सर। हाँ अबे चाचा जी थोड़ा और ध्यान दीजिए। क्या सर बताइए सर कि क्या ध्यान देना है। मैंने कहा देखो भैया ध्यान ये देना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान ये देना था सर इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है तो टू तो जीरो हो नहीं सकता, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। मैंने कहा सर या तो जेड माइनस जेड बार क्या होगा जीरो होगा, मेरी बात क्लियर है ठीक है, या फिर क्या होगा सर ये वाला फैक्टर वन बाई मॉड जेड स्क्वेयर माइनस टू क्या होगा सर ये जीरो होगा है सर। हाँ होते सर बिल्कुल बढ़िया सर। अब भाई साहब देखिए सर बहुत ध्यान से, अब यहां पे देखिए सर क्या सर अगर ये जीरो है मतलब जेड बराबर जेड बार, अगर जेड बराबर जेड बार है इसका मतलब क्या एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है सर। अब आपको पता है सर एक्स एक्स कट जाएगा, इसका मतलब क्या सर आई वाई उधर आएगा तो क्या हो जाएगा टू आई वाई बराबर जीरो। आपको पता है आई तो जीरो होता नहीं है क्योंकि आई क्या होता है सर आई होता है रूट ऑफ माइनस वन, यानी ओनली थिंग क्या जीरो हो सकती है भैया वाई, आई जीरो नहीं होता सर, मतलब वाई इससे जीरो आ गया, इससे क्या आ गया सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड सर जीरो आ गया। परंतु देखो भैया इनिशियली आपसे बोला हुआ है सर, क्या बोला हुआ है इनिशियली सवाल में आपसे बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो नहीं हो सकता। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब ये वाला केस नॉट पॉसिबल है, इसको हम लोग भैया डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे समझे, यानी सर ये जीरो नहीं हो सकता, ये वाला केस नहीं हो सकता है सर। हाँ यानी सर कौन सा केस पॉसिबल है, ओनली ये वाला केस पॉसिबल है। इसे रीअरेंज करो इससे मॉड जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा सर हाफ आ जाएगा है सर। हाँ बेटा होते सर बिल्कुल सही बेटा यही आंसर है सर। हाँ बेटा यही आंसर है, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। और इसी के साथ भैया तीन नंबर आपको और सिक्योर होता है, समझ रहे हो भाई, तीन नंबर यहां पे सिक्योर हुआ, तीन नंबर इसमें सिक्योर हुआ, और तीन नंबर देखिए इसमें, मतलब नौ नंबर तो आपके सिक्योर हो गए। तो भैया अगर किसी के नेगेटिव नंबर आए थे तो नेगेटिव नहीं आने चाहिए थे, मेरी बात क्लियर है, है? हाँ बहुत सही। अब आता है देखिए भैया चौथा सवाल, एकदम भैया फॉर्मूला बेस्ड सवाल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जेई एडवांस ऐसा सवाल देगा, ठीक है भाई, मतलब जेई एडवांस वाले भी कभी कभार एकदम पार्टी मोड में आ जाते हैं, बच्चों के ऊपर एकदम दया कर देते हैं, वो चाहते तो भैया बहुत टफ पेपर दे सकते थे। ये भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जेई एडवांस बताओ इजी पेपर देता है, नहीं भैया वो चाहते ना ऐसी तैसी कर देते, मेरी बात समझ रहा हूँ, ऐसी तैसी कर देते, पता नहीं क्यों उन्होंने दया खाली बच्चों के ऊपर, पता नहीं क्यों भैया इजी सवाल दे दिया है सर। हाँ ठीक है फोन देखिए भैया कुछ मैसेज आए हुए हैं, अरे ऐसे ही मैसेज है, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मैसेज है, हमें लगा कुछ सीरियस मैसेज तो नहीं आ गए। चलो भाई अब आती है मेरी बारी सर, यहाँ पे सर कौन सा फॉर्मूला सर लगेगा, अब ये बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला हर किसी ने पढ़ा होता है जिसने भी आईटीजी की कोचिंग करी होती है, है सर। हाँ तो देखो भैया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस वाले सवाल में, मैं आपको भैया फॉर्मूला वो बता रहा हूं है सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक चैप्टर है वहां पे बेटा यहाँ फॉर्मूला बताया जाता है सर। हाँ सर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अगर इंटीग्रेशन आपको करना है ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स है सर, फिर सर इंटीग्रेट करना है सी से डी एफ इनवर्स एक्स, इसी का इनवर्स डॉट डी एक्स, ठीक मेरी बात समझ रहे हो भाई, दिख रहा है ना, ये भैया एफ इनवर्स लिखा है प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, देखो चाचा जी को प्रॉपरली जरा दिखा दे, ए अड़ना है एफ इनवर्स एक्स, बहुत सही है सर। अब देखिए भैया नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज देखिए भैया ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है, समझो ना ए पर, वो भैया सी होती है, ये सारी कंडीशंस है, ये सब दिया होगा, एफ ए सी होता है और एफ बी भैया डी होता है, बहुत सही, शायद सबको भैया फॉर्मूला याद आ गया होगा, एफ बी भाई साहब देखो डी होता है सर। तो देखो भैया इस पूरे का आंसर क्या आता है, इस पूरे का मैं आंसर लिख रहा हूं, इस पूरे की जो वैल्यू है वो देखिए भैया कितनी आती है, इस पूरे की सर वैल्यू देखो क्या आती है, बात समझना, क्या बी डी माइनस ए सी, ऊपर वालों का प्रोडक्ट माइनस नीचे वालों का प्रोडक्ट, ठीक है भाई, इस पूरे की वैल्यू भैया इसके बराबर आती है, मतलब ये दोनों इंटीग्रेशन का जो सम है वो इसके बराबर आता है, बहुत बढ़िया सर। अब बताइए सर याला सवाल कैसे होगा, याला सवाल कैसे होगा, अब भैया देख लो बहुत ध्यान से देखना, अगर भैया दोनों में कंपेयर करूं इस वाले फॉर्मूले से, ए को लो भैया वन, ठीक है भाई, बी को कितना लो सर टू, ठीक है भाई, अगर मैं यहीं पर एफ एक्स ले लूं, ठीक है, फिर से मुझे समझाने में टाइम लग रहा है परंतु सवाल बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना सवाल आप डायरेक्टली कर सकते हो। सर एफ एक्स क्या है, ये वाला फंक्शन सर, ये क्या होगा, मैंने कहा लॉग टू एक्स क्यूब प्लस वन। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्या सर
एफ वन की वैल्यू मतलब एफ ए की वैल्यू, तो देखो एफ वन की वैल्यू आप निकाल के देखना सर, यह आ जाएगा लॉग टू नाइन, ठीक है भाई। ये देखो भैया इसके बराबर है, मतलब सर ये देखो सर डी के बराबर है, मैंने सही फॉर्मूला लिखा है ना। हाँ दूसरा सर, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू बी पे निकालू, मतलब क्या निकालना है सर हमें, निकाल एफ ए नहीं, ये सर एफ बी होगा, सॉरी भाई साहब एफ बी होगा, इसको सही कर लेना भाई, ये देखो एफ बी होगा, एफ बी मैंने निकाला है भाई, ये देखो मैंने एफ टू निकाला है। अब भैया क्या निकालना है, मैंने कहा सर ऊपर वाला पुट करो एफ डी, एफ डी का मतलब क्या होगा, अरे यार एफ डी नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, एफ ए भाई साहब पुट करो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भैया चलो एफ ए यहाँ पे पुट करो। अब देखो एफ ए का मतलब सर क्या होता है सर, एफ वन, अब जैसे एफ वन भैया पुट करोगे ये आ जाएगा देखो भैया लॉग टू, जिसकी वैल्यू होती है बेटा वन, यानी कि सर ये बराबर हो जाएगा सी के। तो आपको समझ में आ रहा है सर, अगर इसको माना मैंने ए तो ये है एफ ए, मेरी बात क्लियर है, मतलब है ये है सी, अगर इसको माना बी तो आपको दिख रहा है सर ये एफ बी, मतलब ये क्या है सर, ये है डी है सर। हाँ अब ये जरा एक चीज और क्विकली हम लोग देख लेते हैं, इतना लिखने के बाद एक चीज और बेटा देख लेते हैं कि सर अगर मैं इसे एफ एक्स मानता हूं तो क्या ये एफ इनवर्स एक्स आ रहा है, आइए बेटा इसको भी चेक कर लेते हैं, है सर। हाँ अब देखिए भैया इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर, जो एफ एक्स है इसको हम लोग मान लेते हैं लॉग टू द बेस टू, यहां आ जाएगा सर क्या, यहां आ जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस वन, बहुत सही इसे माना एफ एक्स। अब बताओ भैया कैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, आपको पता है सर इस कंप्लीट को हम लोग मानेंगे वाई, क्या आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेट्स चेंज द कलर बेटा, इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग वाई, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब लॉग टू एक्स क्यूब प्लस वन। अब देखो इनवर्स भैया कैसे निकाला जाता है, है सर। हाँ अब देखो भैया एक्स और वाई को क्या कर दो बेटा, इंटरचेंज कर दो, बढ़िया सर बढ़िया। अब देखो जैसे भैया इंटरचेंज करेंगे है सर, हाँ देखो क्या आ जाएगा भैया एक्स इक्वल टू आ जाएगा लॉग टू द बेस टू, यहां आ जाएगा भाई साहब वाई क्यूब प्लस वन, बढ़िया सर बढ़िया होते सर, हाँ है सर। हाँ अब देखिए भैया और चीज इसमें देखो क्या कर सकते हैं क्या, अब भैया इसका मतलब यह है कि सर ये जो वाई क्यूब प्लस वन है यह आ जाएगा सर देखो टू की पावर एक्स, सर ये कैसे हुआ, आइए बेटा ये भी दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। एक भैया फॉर्मूला होता है बहुत ही फेमस होता है कि सर अगर आपको दिया हुआ है log a n बराबर l, इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है n equals to a की पावर l, बढ़िया सर बढ़िया। अब देखो क्या आ जाएगा सर, यहां से जो y क्यूब है वो आ जाएगा 2 की पावर x माइनस वन, सही बात है। अभी इसका क्यूब रूट ले लो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर x माइनस वन का होल क्यूब, बराबर कितना होगा सर, बराबर होगा एफ इनवर्स एक्स, है सर। हाँ होते सर। हाँ अब जरा एक चीज बहुत ध्यान से देखना, आपको यह समझ में आ गया कि सर ये जो फंक्शन दिया है ना ये भैया एफ इनवर्स एक्स है, ये एफ एक्स है, अरे वाह, यानी सर देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा ही हो गया है जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, समझे ना, जैसा ये फॉर्मेट वैसा ये फॉर्मेट, अब इसका आंसर क्या होता है बीडी माइनस एसी होता है। तो भैया अब ये सवाल लोगों ने पहले किया है इस वाले पेज पे, ऐसा मैं इसका देखो आंसर लिख रहा हूं सर, सर क्या आंसर होगा, मैंने कहा सर इसका आंसर होगा बीडी माइनस एसी, मतलब सर लॉग टू नाइन इंटू कितना होगा सर टू माइनस एसी, ए बी शायद वन है और जरा देख ले हम ए बी वन और साथ में सी भी वन, बहुत सही, वन इंटू वन कितना होता है सर, ये होता है वन, होते सर। हाँ अब देखो भैया टू पावर में चढ़ जाएगा, तो जैसे चढ़ेगा सर ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा लॉग टू द बेस टू और यहां आ जाएगा सर देखो नाइन का स्क्वायर, और वन को सर हम लोग लिख सकते हैं लॉग टू टू, है सर। हाँ अब देखो भैया बेस दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या है सर, इसको लिख सकते हैं लॉग टू 81 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा टू, है सर। हाँ नाइन का स्क्वायर 81, बहुत अच्छे। अब देखना भाई साहब आपको सवाल में इसका भी जीआईएफ पूछा गया है, समझे ना, इसका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा गया है, बढ़िया सर बढ़िया, क्या पूछा गया सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सवाल में बोला गया है कि सर इसके आंसर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, है सर। हाँ अब देखो आंसर तो आई गया है, अब देखो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं कैसे बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सर कैसे, मैंने कहा सर ये 40.5 होता है, कितना होता है 40.5, तो आपको भी ये चीज पता है कि सर यहां लिखूं अगर मैं 40.5 तो सर ये किससे बड़ा है, मैंने कहा सर 2 की पावर में 5 से ये बड़ा है 32, 2 की पावर 5 से बड़ा है और 2 की पावर 6 यानी 64 से छोटा है, ऐसे ही आने सवाल करे जाते हैं, आपने करे होंगे तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो सर, ये आ जाएगा 2 की पावर 5, सर ये जो आप देख रहे हो सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 40.5 2 की पावर में इसके बीच में लाई करता है सर, यहां पे आपने 2 की पावर ही क्यों ली, क्योंकि सर लॉग टू द बेस 2 में डील हो रहा था,
अगर log to the base 5 में होता तब हम 5 की पावर से एनालाइज करते, अगर बेस 7 में होता तो 7 की पावर से एनालाइज करते, बेस 2 था इसलिए भैया मैंने ये देखा कि 2 की पावर्स में ये किसके बीच में है, मैंने कहा सर 5 और 6 के बीच में है, बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, अगर मैं log to the base 2 तीनों साइड ले लूं, बहुत सही, तो देखो आ जाएगा log 2 2 की पावर 5, यहां आ जाएगा सर जो इसका आंसर था log to the base 2 40.5 मतलब कि 81/2, सर ये आ जाएगा log to the base 2 2 की पावर 6 है सर, हाँ होते सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर 5 है सर, सर ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये आ जाएगा भैया 6, इसका मतलब क्या है सर, ये जो नंबर है जो इसका आंसर निकल के आया है वो 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सर इसका जब फाइनल आंसर आप लिखोगे है सर, हाँ फाइनल आंसर लिखोगे तो जीआईएफ क्या होगा, इस नंबर का जीआईएफ क्या होगा, ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सर उसका जीआईएफ होगा 5 है सर, हाँ इसका जीआईएफ क्या होगा 5 होते सर, हाँ बेटा बढ़िया सर एकदम सही बेटा, था ना इजी सवाल है, चौंक गए था ना इजी सवाल, तो भैया यही है कि सवाल इजी भी आते हैं, इजी किल सवाल भी आते हैं, है सर कितने नंबर सिक्योर हुए, गिनो फिर से सर कितने सिक्योर हुए, सर 3 पहले में 3 3 6 9 12 12 नंबर सर सिक्योर। अगला देखो भैया है प्रोबेबिलिटी का सवाल है, परंतु यहां पे यूज होती है भैया सेट थ्योरी और उसका भाई साहब यूज होता है फॉर्मूला है सर, हाँ तो देखो भैया दिखने में लंबी सवाल है परंतु जिसको भैया फॉर्मूला आता है वो भैया भौकाल काट देगा है सर, हाँ आ जाइए ट्राई कर लीजिए पॉज करके, मेरी बारी आ गई, आइए है सर, हाँ अभी सवाल में देखिए टोटल भैया 900 पर्संस हैं, बहुत अच्छे टोटल कितने भैया 900 पर्संस हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया गया, 190 को सिम्टम थे फीवर के, तो देखो सेट थ्योरी में कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पर्संस हैविंग फीवर कितना आ जाएगा सर 190 है सर, हाँ फिर क्या सर 220 को सिम्टम थे खांसी के कफ था, तो भैया इसका मतलब क्या है भैया, यह आ जाएगा 220 ठीक है भैया, सी सेट वो ले लिया जिनको कफ था, एफ सेट वो ले लिया जिनको फीवर था, 220 पर्सन को सांस लेने में दिक्कत थी, तो नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये कितने भैया, ये है 220 ओते सर, हाँ बेटा बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। अब आपसे यह बोला गया कि सर 330 पर्सन वो थे जिनको या तो फीवर था या तो कफ था या तो दोनों था, तो देखो इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग सेट थ्योरी में कैसे लिखते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं भैया फीवर यूनियन कफ, ठीक है भाई फीवर यूनियन कफ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि या तो फीवर या तो कफ या तो दोनों, इसका मतलब यही स्टेटमेंट होता है, तो सर ये किसके बराबर है, सर ये है 330 के बराबर। अब क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पर्सन जिनको कफ या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मतलब या तो कफ है या तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या फिर दोनों है, तो सर ये है 350 लोग, कितने लोग हैं भैया, ये टोटल है सर 350 लोग हैं सर। अब यह 340 पर्सन को फीवर है ब्रीथिंग है या बोथ है, बहुत अच्छे तो क्या लिखोगे सर, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग फीवर यूनियन ब्रीथिंग, सर ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये है 340 है सर, हाँ ये कितने सर ये है 340। अब ये बोला गया भैया 30 पर्सन ऐसे हैं जिनको तीनों सिम्टम है, फीवर भी है कफ भी है ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, है सर नंबर ऑफ पर्सन जिसको फीवर भी है ब्रीदिंग भी है कफ भी है सर ऐसे 30% है, तो देखो भैया अंग्रेजी पढ़ के सेट थ्योरी में कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए, जो आपको पता ही है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं पता है तो जाकर रिवाइज कर लो काम खत्म, टेंशन लेने की क्या बात है, टेंशन नहीं लेना है। अब ये बोला गया इफ अ पर्सन इज चूजिंग रेंडमली फ्रॉम 900% टोटल पर्सन 900 है, 900 में से किसी एक पर्सन को हमने रेंडमली सिलेक्ट कर लिया है, अब बोला गया ये प्रोबेबिलिटी बताओ इसको ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉब्लम हो, एटमोस्ट वन प्रॉब्लम हो, ठीक है भाई हाँ जनरली जानते क्या होता है, जनरली ये होता है कि बच्चा पार्टी ये सोचता है, जनरली बच्चा पार्टी ये सोचता है ऐसे हंसता है कहते एटमोस्ट वाले सवाल तो छोड़े जाते हैं, नहीं बेटा एटमोस्ट वाले सवाल नहीं छोड़े जाते हैं, अंग्रेजी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सर एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉब्लम हो, इसका मतलब क्या, नंबर प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे पहले उनका नंबर निकाल लेते हैं, मैंने कहा नंबर ऑफ पर्सन जिनको सिर्फ एक प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वन प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन प्रॉब्लम, ठीक है भाई नंबर ऑफ पर्सन जिनको एग्जैक्टली वन प्रॉब्लम है, ठीक है भाई इसका मतलब क्या है बात बताते हैं, या फिर नंबर ऑफ पर्सन जिनको इन तीनों में से एक भी प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है, एटमोस्ट का मतलब क्या है, हो तो कोई एक प्रॉब्लम हो, मतलब या तो सिर्फ एफ हो या फिर सिर्फ सी हो या फिर सिर्फ बी हो और या तो तीनों ना हो, तो देखो इसको भैया सेट थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली वन प्रॉब्लम का मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्सन
जिन जो एग्जैक्टली एफ के शिकार हो, एग्जैक्टली एफ के शिकार हो, शिकार मतलब शिकार हो, जिनको सिर्फ फीवर हो। सेट थ्योरी में जब मैं लिखता हूं एलएफ, इसका मतलब होता है कि फीवर कितनों को है, 190। इसमें वो लोग भी आते हैं जिनको क्या पता कफ भी हो। ये सेट थ्योरी का मतलब होता है। जब मैं एलएफ लिखता हूं मतलब इसमें ऐसे लोग भी आएंगे जिनको कफ और ब्रीथिंग हो, ऐसे लोग भी आएंगे जिनको सिर्फ फीवर और कफ हो, या फिर सिर्फ फीवर ब्रीदिंग हो। इसमें वो लोग नहीं होंगे जिनको सिर्फ कफ है या फिर सिर्फ ब्रीदिंग है। एलएफ का मतलब होता है कंप्लीट सेट, जिनको फीवर है। इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जिनको इसके अलावा भी प्रॉब्लम हो। ये सेट थ्योरी में इसका मतलब होता है, है सर। इसका मतलब देखो, पहले स्टेटमेंट क्या है, या तो एग्जैक्टली एफ, नंबर ऑफ पर्सन जिनको एग्जैक्टली है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, है नंबर ऑफ पर्सन जिनको एग्जैक्टली है सर, जिनको एग्जैक्टली समझ लो भैया, फीवर है और एग्जैक्टली कफ हो, है सर। और नो प्रॉब्लम का देखो मतलब क्या होता है, नो प्रॉब्लम का मतलब समझना भाई साहब, नो प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है। देखो मैं पिंक से इसको ऐसे करूं, पिंक से नीचे लिखूंगा। नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कि टोटल जितने पर्सन हैं उनमें से वो लोग सब्ट्रैक्ट कर दो जिनको कफ यूनियन फीवर यूनियन ब्रीथिंग है। क्या मेरी बात समझे, क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। अब देखो भाई, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका देखो भैया फॉर्मूला होता है, ध्यान देना बेटा, इसका देखो बेटा फॉर्मूला होता है, इसको देख के आप बिल्कुल परेशान मत हो जाना, ठीक है भाई। मैं बार बार कह रहा हूं यहां पे मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, यहां पे मैं सिर्फ इजी किल क्वेश्चंस कराने आया हूं। अगर इनमें से कोई आप कंसेप्ट भूल गए हो तो आपको जाके भैया रिवाइज तो करना ही होगा। अब यहां पर आ जाओ, आ जाए सर बिल्कुल। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो ये होता है, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग फीवर, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग कफ, ठीक है भाई, माइनस सॉरी प्लस नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम माइनस टू टाइम्स। इसका फॉर्मूला भैया, नंबर ऑफ पर्सन कफ इंटरसेक्शन फीवर, नंबर ऑफ पर्सन कफ इंटरसेक्शन ब्रीदिंग प्लस नंबर ऑफ पर्सन फीवर इंटरसेक्शन ब्रीदिंग प्लस थ्री टाइम्स नंबर ऑफ पर्सन हैविंग कफ एंड फीवर एंड ब्रीदिंग, है सर। ये भाई साहब देखो हरे वाले का मतलब है, और ये इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से नहीं घबराना है, ये फॉर्मूला देखो याद करना है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला देखो याद करना है कि अगर कभी एग्जैक्टली सेट ए, यहां पे लिखा नहीं पर मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली सेट बी और एग्जैक्टली सेट सी का आपको प्लस चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का सम करो, इसको मैं एस वन बोलता हूं, इंटरसेक्शन का सम को टू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन यूनियन नहीं है, सी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और प्लस थ्री टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो। ये भाई साहब इसका देखो फॉर्मूला होता है, है सर। अब जरा चाचा जी यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर क्या फॉर्मूला देना है, मैंने कहा एलएफ दिया है, दिया है, एनसी दिया है, दिया है, एनवी दिया है, दिया है। ये देखो तीन चीज नहीं दी हुई है, ये तीन चीज निकालनी है, कैसे निकालेंगे अभी मैं बताता हूं, और ये भी दिया है, मतलब इन तीन का भी सम निकालना है, बाकी देखो सारी चीज दी है, है सर। हाँ आ जाओ चाचा, आ जाए सर। हाँ मैंने कहा सर देखो नंबर ऑफ पर्सन ए एफ यूनियन बी किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा एन एफ प्लस कितना होगा एन बी माइनस होगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, है सर। हाँ होते सर बिल्कुल सही। अब देखो भैया एफ ए एफ यूनियन बी क्या होता है, मैंने कहा देखो भैया एफ यूनियन बी का मतलब होता है 340, ये देखो दिया हुआ है इसलिए दिया था 340। सर एन एफ कितना दिया है, मैंने कहा सर एन एफ दिया है 190, बहुत अच्छे 190, एनबी दिया है बेटा 220, और ये बेटा निकालना है, है सर। अभी इसको उधर ले जाओ, यह आ जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है भैया, ये आ जाएगा भैया देखो 70, बहुत सही, कितना आ जाएगा भाई साहब 70, सॉल्व करके निकाल लो भाई। अब देखिए सर नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, मैंने कहा सर सेम चीज जो मैंने फीवर और ब्रीदिंग वाले के साथ करा वही चीज मैं किसके साथ करूंगा सर, फीवर एंड कफ वाले के साथ। तो यह आ जाएगा सर क्या एन एफ प्लस एन सी, बहुत सही, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, है सर। हाँ अब यह ध्यान दीजिएगा एफ यूनियन सी देखिए कितना दिया हुआ है, एफ यूनियन सी कितना दिया है, एफ यूनियन सी दिया है 330, बहुत सही 330 दिया है, थैंक यू, ठीक है भाई। ये कितना दिया है सर एन एफ और एन सी, एन एफ और एन सी दिया हुआ है 190 और 220, बहुत सही 190 और 220, बहुत सही। इसको उधर ले जाओ तो सर एन एफ इंटरसेक्शन सी कितना होगा सर, ये होगा 80, बहुत ज्यादा सही, कितना होगा भैया ये होगा 80। अब आता है देखो भैया नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज एकदम सही,
सर क्या है नेक्स्ट चीज, आइए चाचा बताते हैं। अब एक चीज और भी तो निकालनी तुम्हें। अब बचा सर एन ऑफ ब्रीथिंग यूनियन कफ, यह आ जाएगा बेटा एन बी प्लस कितना आ जाएगा एनसी। बस देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है इसलिए लंदी हो रहा है, है सर। हाँ देखो भैया बस फॉर्मूला यूज हो रहा है पर ये इजी किल सवाल है, इतना टफ सवाल नहीं है। बढ़िया सर। हाँ अब देखो भैया बी यूनियन सी कितना है, मैंने कहा सर बी यूनियन सी वहां दिया हुआ है वही सी यूनियन बी, मतलब सर ये दिया है 350। बहुत सही, कितना दिया भैया 350, बहुत ज्यादा सही। सर एन बी कितना है, मेरे ख्याल से 220 है। सर एनसी कितना है, मेरे ख्याल से 220 है। बी और सी देखो कितना है, बहुत सही 220 है। माइनस कितना आ जाएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, है सर। हाँ अब जरा ध्यान देना भैया एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना आ जाएगा भैया, इससे आ जाएगा देखो 90, है सर। हाँ तो देखो आप क्या इन तीनों की भी वैल्यू आ गई है सर, और क्या इन तीनों की भी वैल्यू, अरे अच्छा अच्छा इन तीनों की भी देखो आपके पास वैल्यू आ गई है सर, इन तीनों की भी देखो वैल्यू आ गई 70, 80, 90। बहुत सही, कितना आ गया भैया 70, 90, 80 है सर। हाँ अब जरा ध्यान देना भैया एक चीज की वैल्यू और नहीं दी है, मैंने बोला नहीं था इन तीनों के यूनियन की वैल्यू भी नहीं दी है, बात समझ रहे हो ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं दी है। अब भैया इसको भी निकाल लेते हैं, निकाल ले सर। हाँ अब देखो भैया क्या आ जाएगा एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन बी दिस विल इक्वल टू एन सी प्लस कितना भैया एन एफ प्लस कितना भैया एन बी, बहुत सही। माइनस कितना होगा एन, ये भी फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए एन बी एन सी, ठीक है भाई। फिर ए इंटरसेक्शन बी होता है, बी इंटरसेक्शन सी होता है, और क्या होता है भैया सी इंटरसेक्शन ए होता है। अब देखो भैया इसकी वैल्यू एनसी कितना दिया है, चलो भैया सारी वैल्यूज देखो एनसी कितना दिया है 190 220 220, बहुत सही 190 190, नहीं 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 190 220 220, देखा बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। मेरे को टाइम लग रहा है पर एग्जाम में बेटा आपको टाइम नहीं लगता। आपको भैया टाइम क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीजें आप ओरली सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि नंबर इतने कोई टफ नहीं है, इजी इजी नंबर्स हैं। माइनस देखिए भैया, माइनस देखिए भैया 70 80 90, बहुत सही 70 80 90, ये है भैया 30, बहुत सही। कितना हो गया भैया इनका सम करो, मेरे ख्याल से ये होता है 400 500 630 होता है, कि मैं सही कह रहा हूं 630 होता है। ये कितना है 1300 माइनस 210, सर ये आ जाएगा देखो 420, वाह आपका फेवरेट नंबर 420, ठीक है भाई ये आ गया 420। देखो सारी वैल्यूज निकालनी, बधाई हो। अब देखो भैया, देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब भैया इसके आगे सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना, तो जो भी भैया रिक्वायर्ड है वो हमारा निकल के आ जाएगा। सर क्या है रिक्वायर्ड, मैंने देखो भैया रिक्वायर्ड में सारी वैल्यूज पुट करो, ठीक है भाई ये देखो कितना आ जाएगा एन एफ 190 220 प्लस 220 प्लस है माइनस है माइनस 2 टाइम्स 80 70 90, यही निकला था ना भाई, बहुत अच्छे। प्लस 3 टाइम्स 30, टोटल कितने है सर 900 लोग, और माइनस कितना हुआ सर 420। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं हुई है, तो कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, अगर गलत होगी तो भैया दोबारा कर देंगे, क्या टेंशन है, लेकिन तुमको गलत नहीं करनी है। अब देखो भैया कितना आ जाएगा, ये आप देखोगे सर ये आ जाएगा 630, बहुत सही 630 माइनस ये कितना है 150, सर ये हो जाएगा 480 है सर। ये कितना आ जाएगा सर 90, प्लस कितना आ जाएगा सर 900, माइनस कितना आ जाएगा सर 420, बहुत सही। तो इसको सॉल्व करके देखो भैया ये आ जाएगा 720, मतलब रिक्वायर्ड लोग कितने हैं भैया 720 है। अब देखो भैया आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, काम खत्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड यही भैया आंसर आएगा है, और क्या सर ये कितना आ जाएगा फेवरेबल में कितने लोग हैं 720। अरे वाह सर फेवरेबल में कितने लोग हैं, मैंने कहा भैया देखो फेवरेबल में है 720 लोग, डिवाइडेड बाय क्या होगा सर 900, बहुत अच्छे। सर कितना है देख लो भैया 0.8 आ जाएगा मेरे ख्याल से, दिस विल बी द आंसर। देखो भैया अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो ये वाला सवाल भी कर सकते थे, कृपया करके बेटा गुमराह मत होना कि ये क्या हो गया, ठीक है मैं आंसर चेक कर लूं क्या था कैलकुलेशन कुछ ऐसी तैसी कर दी हो, वैसे इतना हम जानते हैं भैया 0.8 ही है। तो देखो भैया ये जिसको फॉर्मूला आता है वो सवाल कर लेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए था, और ये इजी सवाल है, इस टाइप के सवाल जे एडवांस में बेटा किए जा सकते हैं, है सर। हाँ बेटा ओके सर बिल्कुल सही बेटा, कितने नंबर सिक्योर कर दिए, ये तो 3 नंबर 1 2 3 4 5 15 नंबर देखो सिक्योर हो चुके हैं, और वाह सर है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी कमेंट करो मजा विद दिल दिल करियर की कसम बेटा, कमेंट तो करना ही होगा है सर। हाँ अब आते देखो भैया ये नेक्स्ट सवाल बहुत इजी सवाल है,
वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अब आती है मेरी बारी। अभी मैंने इस वाले सवाल में क्या बोला गया, आपको बोला गया लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है ये तो हमें पता ही है। आगे दिया गया रूट ऑफ माइनस वन, ये भी हमें पता है। अब इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है भैया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बतानी है, मतलब जेड की कितनी वैल्यूज होंगी, डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब जेड की कितनी वैल्यूज होंगी जो भाई साहब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्लियर भाई, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, है सर और क्या तो सर बिल्कुल। तो भैया आइए अब आती है मेरी बारी। अब यहां पर भैया देखना क्या सर, मैंने कहा सर z बार क्या होगा, मैंने कहा x माइनस आई वाई होगा। अब देखो ये वाली चीज तो भैया आपको पता है ना सर, क्या चीज पता है, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं कि हम लोग z को ले लेते हैं x प्लस आई वाई। सर z बार क्या होगा, मैंने कहा z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, सही बात है ना। अब यहां भी जरा ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, सर z बार कितना है, मैंने कहा x माइनस आई वाई। सर z का स्क्वायर कितना है, आइए भैया x प्लस आई वाई का स्क्वायर है। सर यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा i टाइम्स z बार जो हो जाएगा x माइनस आई वाई। बेटा जान लगाते रहना, फिर आ जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, सही बात है ना। सारी वैल्यूज भैया मैंने पुट कर दी, मैंने देखो भैया z बार पुट कर दिया है, z पुट कर दिया है। अब आइए भाई साहब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, है सर। सर क्या आ जाएगा, मैंने कहा x माइनस आई वाई, माइनस ऑफ इसका स्क्वायर देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई, क्या बात है सर। फिर क्या आ जाएगा सर, i टाइम्स x मल्टीप्लाई कर दो i को अंदर, i i होता है माइनस आई, तो ये बचेगा सर y, सॉल्व बेटा कर लेना, प्लस i टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर क्यों है, क्योंकि भैया आप जानते हो आई वाई का स्क्वायर होता है आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस वन होता है, इसलिए आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, है सर। अब देखो भाई साहब हम लोग देखो क्या करना है, क्या करना है सर, यहां पे आ जाएगा भैया टू एक्स वाई आई, है सर। हाँ ओके सर बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक अड़को सही है ना, आई एक्स आई वाई, हाँ अभी आई और भी अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है पर देखा जाएगा अभी। सर यहां बचा एक्स माइनस आई वाई, बहुत सही, माइनस एक्स स्क्वायर बहुत सही, प्लस वाई स्क्वायर बहुत सही, माइनस टू एक्स वाई वाई, वाह 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 वाह, यहां गया सर आई एक्स बहुत सही, यहां गया सर वाई, यहां गया सर आई एक्स स्क्वायर, यहां गया भैया माइनस आई वाई स्क्वायर, यहां जाएगा भैया माइनस टू एक्स वाई, ठीक है आई इंटू वाई हो गया माइनस वन, यस सर। अब देखो भैया कुछ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब आपको पता है सर आयोटा वाले एक तरफ ले आओ, आयोटा वाले एक तरफ, बहुत सही, आयोटा वाले एक तरफ, नॉन आयोटा वाले एक तरफ, तो आयोटा वाले एक तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगा देखो माइनस आई वाई ऑरेंज वाले, फिर कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई आई, वाह बराबर कितना हो जाएगा सर आई एक्स, फिर कितना हो जाएगा भाई साहब आई एक्स स्क्वायर, हाँ फिर कितना हो जाएगा सर माइनस आई वाई स्क्वायर, थैंक यू, ऐसे भी ना कुछ होगा, बहुत सही। अब ये तो भैया आयोटा वाले थे, अब सर बताइए क्या करना है, मैंने कहा भैया देखो मुझे ग्रीन वाले करने, ग्रीन वाले मतलब जिनमें कोई मार्किंग नहीं, मतलब जिनके साथ आयोटा नहीं है, या आ जाएगा भैया देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा सही, फिर कितना आ जाएगा सर वाई स्क्वायर बहुत ज्यादा सही, बराबर कितना हो जाएगा सर वाई माइनस टू एक्स वाई, है सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया एक चीज और हो सकती है क्या, इन सब में ध्यान से देखना, इन सब में भैया देखो आई कैंसिल आउट हो सकता है, इन सब में देखो भैया आई कैंसिल आउट हो सकता है, बहुत सही। अब देखो यहाँ पे भैया बचा के, यहाँ पे ऑरेंज वाला जरा थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे बचा सर माइनस वाई माइनस टू एक्स वाई, बहुत सही, बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है सर। अब भैया इसको जरा मैं थोड़ा अच्छे से अंदर कैद कर लेता हूं, ये देखो भैया ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, थैंक यू सर, ऐसे ही दिख रहा होगा ना, बिल्कुल सर, थक गया क्या सर, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थके सर, है सर, हाँ। और यहां पे देखो कुछ भैया ऐसा दिख रहा होगा। अब जानते हो इसके आगे भैया जनरली लोग ना सवाल नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब भैया अगला स्टेप आएगा कि लोग देखो ऐसी इक्वेशन में फंस गए, क्यों, क्योंकि भैया उनको यह समझ में आ रहा है कि सर यहां पर देखो दो इक्वेशन और दो अननोन है, परंतु इन दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें ये नहीं समझ में आ रहा है। अब तक लोगों ने क्या करा, z की वैल्यू पुट कर दी, z बार की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करा, आयोटा वाले एक तरफ कर दिए, फिर आयोटा को कैंसिल कर दिया, और नॉन आयोटा वाले जिनके साथ आयोटा नहीं उनको बेटा एक तरफ कर दिया, है सर, हाँ होते सर बिल्कुल। अब देखो भैया ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है,
या तो इन दोनों को ऐड कर दो या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मुझे खुद नहीं पता ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। मैं जरा इसकी भैया फोटो खींचता हूं, फिर अगले पेज में एक बार ऐड करके देख लेता हूं। और भाई साहब एक बार जरा इनको मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूं। है सर, हाँ बहुत शाइन मार रहा है यार, दिख ही नहीं रहा है। अरे दादा रे, एक्चुअली यहाँ पे लाइट्स बहुत ज्यादा है ना स्टूडियो में, इसलिए ये थोड़ा वैसा दिख रहा है। अब सही है। हाँ अब देखो ये वाला सवाल देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैं ऐसा करता हूं यार, एक बार जरा इन दोनों को मैं ऐड करके देख लेता हूं, क्या पता उससे हो जाए, ठीक है ना। या तो सब्ट्रैक्ट, वैसे क्या दिल मेरा कह रहा है चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे दिल मेरा कभी सही बोलता नहीं है, आज अगर सही बोल दिया तो भाई पार्टी करी जाएगी, सही बता रहा हूँ। सब लोग आ जाना, अपने घर का एड्रेस दे दूंगा। अरे भाई साहब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट कैसे, एलएचएस वाला एलएचएस से और आरएचएस वाला आरएचएस से। है सर, हाँ अभी तो भैया सब्ट्रैक्ट करो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलएचएस है भैया इसका, इस वाले का एलएचएस लिया। अब भैया इस वाले का एलएचएस के साथ सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ऑफ माइनस वाई माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स वाई, ये उसका आरएचएस है, ठीक है, माइनस इसका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। शायद कुछ बढ़िया हो जाए, नहीं होता है तो देखा जाएगा भाई। है अब देखिए भैया इससे देखो फायदा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा सर क्या फायदा हो रहा है। मैंने कहा वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को काटा, माइनस एक्स स्क्वायर ने माइनस एक्स स्क्वायर को काटा, बहुत सही। सर इस वाले वाई ने इस वाई को काट दिया, बाकी सर देखो सब बच गए। है सर, भैया दिल ने सही बोल दिया, पार्टी आज पिज्जा पार्टी। अपना अपना एड्रेस नीचे कमेंट कर देना, आपके घर पिज्जा पक्का पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर एक्स प्लस टू एक्स वाई, बहुत सही, सिंप्लीफाई करो, बराबर आ गया सर माइनस एक्स माइनस टू एक्स वाई। थैंक यू, इन सबको उधर ले जाओ, समझे ना। ऐसी क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व होती है, मैं आपको फिर सोल रहा हूं। यहां तो भैया आप क्या करते हो, LHS LHS को सब्ट्रैक्ट, RHS RHS को सब्ट्रैक्ट, या फिर LHS LHS को ऐड और RHS RHS को ऐड कर देते हो। है सर, हाँ। अब यहां भैया और ध्यान से देखिए, है सर, हाँ। उधर लेके जाओ सर 2x, उधर लेके जाओ सर 4xy हो जाएगा, बराबर कितना है सर 0, 2 कॉमन लेके भेज दो, बचा x प्लस 2xy, बराबर कितना होगा सर 0। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चाचा जी दौड़ के दौड़ के, एक्स को सर कॉमन लीजिए, एक्स इंटू 1 प्लस 2y का प्रोडक्ट कितना होगा सर 0 होगा। ये सर, हाँ। देखो भैया क्या करना है, या तो पहला 0 या तो दूसरा 0, है सर, हाँ। इसका मतलब क्या सर, दूसरा 0 मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर माइनस r। अब आप समझ गए सर, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो भैया पहला 0 x 0 या फिर y माइनस r। अरे वाह सर, है x 0 और y कितना है माइनस r, ठीक है भाई समझ रहे हो, या तो x 0 या तो y माइनस हाफ। अब इसके आगे देखो क्या करना है, क्या सर, एक बार भैया x 0 पुट कर दो, करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, करस्पॉन्डिंग y। अब x 0 चाहे इसमें कर दो चाहे उसमें कर दो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं इसमें भी x को 0 पुट कर रहा हूं, इस हरे वाले में, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई, आ जाओ भाई साहब आ जाए, हाँ एन 2, बहुत अच्छे, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड गेट करस्पॉन्डिंग y। अरे जिंदा हो कि नहीं जिंदा हो, जिंदा तो होना ही पड़ेगा यार। अब देखो भैया जैसे आप यहां पे x को देखो 0 पुट करते हो, है सर, x को भैया जैसे आप 0 पुट करते हो इसमें, तो 0 0 बचेगा सर y स्क्वायर, यहां पे देखो सिर्फ बच रहा है बेटा y स्क्वायर, है सर, यहां बच रहा है y स्क्वायर, और फिर क्या बच रहा है सर, ये 0 इक्वल टू y। अरे भाई साहब अब इसका मतलब क्या, सॉल्व करो तो y 0 होगा या फिर y 1 होगा, देखो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं सर, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा सर देखो इससे क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आए, अगर x 0 है तो भैया y 0 है, बहुत सही, अगर x 0 है तो y सर देखो 1 भी हो सकता है, मतलब देखो भैया कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई होता है ना, तो देखो इससे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। अरे अच्छा अच्छा, अरे अच्छा अच्छा रुकना एक रुकना, हाँ इससे कॉम्प्लेक्स नंबर आया सर 0 प्लस 0 आई, पहला सोल्यूशन, ठीक है, इससे आया भैया 0 प्लस 1 आई, मतलब x प्लस आई वाई होता है दूसरा सोल्यूशन, बहुत अच्छे। अब देखो भैया एक और केस है सर, कौन सा है, मैंने कहा देखो सर इन टू पुट y इक्वल्स टू माइनस हाफ, अब ये टू में क्या करो, y देखो माइनस हाफ भी हो सकता था ना, तो अब ये टू में y को माइनस हाफ यहां पे पुट कर दो, वन में भी पुट कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां पे कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा सर, आइए सर x माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे, x माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सही, प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना होगा सर 1 बाई 4, बराबर बराबर कितना होगा सर,
वाई माइनस टू एक्स वाई, वाई माइनस टू एक्स वाई, वाई माइनस टू एक्स वाई है सर। अब इसे सॉल्व करो, देखो भैया यह आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर, बहुत सही। यह आ जाएगा माइनस हाफ, बहुत सही, प्लस आ जाएगा x। अब देखो भैया x तो यहां से कट गया, बहुत सही। अब देखो इससे भैया x स्क्वायर कितना आएगा, इससे सर x स्क्वायर आ जाएगा थ्री बाई फोर, यानी सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू है सर, रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। अब आप समझ गए सर, x रूट थ्री बाई टू भी हो सकता है, माइनस रूट थ्री बाई टू भी हो सकता है, लेकिन y भैया क्या है, y देखो इस वाले केस में माइनस हाफ है। मतलब आप ये समझ गए सर कि अगर x लिया, एक मैं ले सकता हूं रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस आई वाई, प्लस आई वाई एक ये होगा, और दूसरा x माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस आई वाई, मतलब हाफ y। सर इसका मतलब क्या है सर, क्या हो गया, मैंने कहा लो भैया तीन चार। आप भाई साहब देखो ये समझ गए, पहला सोल्यूशन, दूसरा, अरे यार ये गलत लिखा, जीरो ही गलत लिखा हुआ बेटा, करेक्ट कर लेना, जीरो प्लस वन आई होगा ना, मतलब जीरो प्लस आई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार सोल्यूशंस हैं। और आपसे भैया क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा सर, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कितनी जेड की वैल्यूज पॉसिबल है, इसका मतलब यही है। यानी सर हमें यह समझ में आ गया सर, क्या सर, वन टू थ्री फोर, फोर सोल्यूशन। आंसर इसका क्या है भाई, आंसर इसका है फोर है सर, हाँ बेटा फोर सॉल्यूशंस, दिस इज द आंसर। कितना इजी सवाल था, बस देखो एक चैलेंज था, चैलेंज क्या था भैया कि ये दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। और बचपन में बेटा ऐसी इक्वेशंस आप सॉल्व करते हुए आए हो, डायरेक्टली आप दोनों को नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान रखना जब भी कभी दो इक्वेशन, दो अननोन एकदम फर्जी से बन जाए, जैसे यहां पर एकदम देखो फर्जी सा बन रहा है, तो हमें क्या करना है, कन्वेंशनल तरीका तो काम नहीं करेगा, तो दो को ऐड कर दो या दो को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में से किसी एक से आंसर आ जाता है सर। हाँ वो तो सर बिल्कुल सही, बढ़िया सर। हाँ तो भैया यहां पे देख लो कितने नंबर सिक्योर, गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह, 18 नंबर सिक्योर हो चुके हैं आपके। अब आता है भैया नेक्स्ट सवाल, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अभी बच्चों 11 सवाल भी देखिए, बहुत ज्यादा इजी है इस वाले सवाल में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बोलोगे कि S जो है वो रिफ्लेक्शन है पॉइंट Q का। अगर मैं बात करूं सर S किसका रिफ्लेक्शन है, तो S भैया पॉइंट Q का रिफ्लेक्शन है, मतलब S पॉइंट Q की इमेज है। फिर ये बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन गिवन बाय दिस, प्लेन की बेटा जो इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा भाई, जो प्लेन की इक्वेशन है वो है आर वेक्टर इक्वल्स टू दिस फलाना ढिमाका वेक्टर है सर। हाँ अब ये दिया गया कि सर टी और पी, यहां पे देखो भैया कैपिटल पी भूल से लिख दिया गया है, जबकि यहां पे क्या होना चाहिए सर, यहां पे होना चाहिए स्मॉल पी, यहां पे क्या होना चाहिए भैया स्मॉल पी। तो स्मॉल टी और स्मॉल पी पैरामीटर्स है, रियल नंबर है, आई जे के वही होते हैं जो आपको पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, पता है आपको। और फिर बोला गया पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू एंड एस, क्यू का पोजिशन वैक्टर ये है, इसका मतलब क्या है सर, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, क्यू का कोऑर्डिनेट होगा 10, 15, 20 है सर। हाँ और भैया आपको समझ में आ रहा है सर, ये जो S है, S का पोजीशन वेक्टर ये दिया है, तो कोऑर्डिनेट होगा अल्फा बीटा गामा है सर। हाँ तो आपको ये बताना है कि अल्फा बीटा गामा इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है, डायरेक्ट सवाल है बेटा, डायरेक्ट सवाल है सर। हाँ अभी एक चीज देखना, सबसे पहले देखो भैया प्लेन की इक्वेशन, चलो इसको छोड़ो, सबसे पहले एक दूसरी चीज हम लोग देखते हैं सर, दूसरी चीज क्या देखते हैं, मैंने कहा भैया देखो इमेज का फॉर्म, फॉर्म मतलब फॉर्मूला, ये क्या लिखा है भैया फॉर्मूला। तो अगर बेटा आपको इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन आप कैसे निकालते हो सर, कैसे निकालते हैं, मैंने कहा देखो भैया अगर मानो प्लेन का इक्वेशन ये दिया है ax plus by plus cz plus d बराबर 0, तो देखो प्लेन का इक्वेशन क्या है सर, लीनियर इक्वेशन है x y एंड z में, ये दिखाई दे रहा है। हाँ सर लीनियर इक्वेशन है x y z में, और abcd क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स होते हैं इक्वल टू 0। फिर आपसे क्या बोला गया कि सर ये जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके कोऑर्डिनेट है x नॉट y नॉट z नॉट, और सर इनकी जो इमेज है वो है अल्फा बीटा गामा है सर। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये सर इमेज है, तो देखो सर कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है, ये भैया इमेज फॉर्मूला है, जो चीज अननोन होती है वो होता है बेटा ए बी और सॉरी अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो यार फॉर्मूला क्या है, याद करो, वैसे आपको पता होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, अल्फा माइनस एक्स नॉट बाई ए, मतलब सर अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स नॉट एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, इक्वल टू बीटा माइनस वाई नॉट, बीटा भैया वाई का कोऑर्डिनेट, इमेज का, ये भैया इमेज है, मैं ज्यूम कर रहा हूं सर ये क्या दिया हुआ है, मैंने कहा सर ये दिया हुआ है इमेज, ये क्या है भैया ऑब्जेक्ट, तो देखो बीटा वाई कोऑर्डिनेट,
वाई नॉट वाई कोऑर्डिनेट, बी वाई का कोफिशियंट। सेम भैया ऐसे ही गामा जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट जेड नॉट डिवाइडेड बाई सी मतलब z का कोफिशियंट है। फिर माइनस टू टाइम्स भाई साहब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हम कर देते हैं मतलब इनके कोफिशियंट का स्क्वायर कर देते हैं। और भैया x नॉट y नॉट z नॉट जो है वो हम लोग बेटा प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फिर इसकी हेल्प से हम लोग भाई इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जरा भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने एक जगह कहीं लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो है सर हाँ। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या देखो भैया प्लेन का देखो भैया वेक्टर फॉर्म दिया है। ये क्या दिया सर ये देखो प्लेन का वेक्टर फॉर्म दिया है यानी कि सर सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें प्लेन को ax by plus cz plus d बराबर जीरो में लेके आना है। तो देखो भैया कैसे लेके आओगे बहुत ध्यान से देखना अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं और देखोगे देखना ये बहुत जल्दी किया है पर डोंट फियर बाबा हियर जल्दी यहां पे आओ। ये सर क्या दिया हुआ है मैंने कहा सर ये दिया हुआ है आर वेक्टर। आर वेक्टर होता क्या है सर आर वेक्टर होता है एक्स आई वाई जे जेड के है सर हाँ ये होता है भैया आर वेक्टर है सर हाँ। अब यही आर वेक्टर आपको किसके बराबर दिया है सर यही आर वेक्टर इसके बराबर दिया है माइनस ऑफ टी प्लस पी। क्या मेरा साउंड आ रहा है चेक करो साउंड आ रहा है रिकॉर्ड हो रहा है माइनस ऑफ टी प्लस पी आई बहुत ज्यादा सही प्लस क्या आ जाएगा भैया टी जे और भी ज्यादा सही फिर क्या आ जाएगा सर फिर आ जाएगा वन प्लस पी इंटू के है सर हाँ। आर वेक्टर होता ये है दिया ये है। अब भाई साहब जैसे आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा सर एक्स इसके बराबर है यानी सर एक्स किसके बराबर है मैंने कहा माइनस टी माइनस ऑफ पी। सर वाई किसके बराबर है मैंने कहा सर जो वाई है सर वो टी के बराबर है। सर जेड किसके बराबर है मैंने कहा सर जो जेड है वो सर वन प्लस पी के बराबर है सर हाँ। अब बताइए हमको क्या करना है मैंने कहा सर एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए और आप शुरू से जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हो कि जो अननोन जो पैरामीटर्स होते हैं जो इक्वेशन में दिए होते हैं उनको हमेशा एलिमिनेट किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हमेशा एलिमिनेट किया जाता है। अब यहां पर भाई साहब ध्यान से देखिएगा अगर मैं तीनों को बेटा ऐड कर दूं है सर देखो इससे क्या फायदा हो रहा है सर क्या फायदा हो रहा है मैंने कहा तीनों को ऐड करूंगा भैया टी टी से कटेगा पी भाई साहब पी से कटेगा और यहां पे आ जाएगा सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। सर ये है प्लेन की इक्वेशन और भाई साहब खोदा पहाड़ निकली चुईया है सर हाँ। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि अगर आपने इसका सोल्यूशन कई बार देख लिया आप जानते हो ये बहुत लेंदी मेथड से लोग निकालते हैं तो कमेंट कर दो बाबा विद दिल करियर की कसम बेटा कमेंट करना पड़ेगा है सर हाँ। तो ये आप समझ गए सर प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वन बहुत सही और आप जानते हो सर ये ऑब्जेक्ट है तो सर x नॉट का वैल्यू कितना है मैंने कहा सर x नॉट का वैल्यू 10 है। सर y नॉट का वैल्यू कितना है y नॉट बेटा 15 है। सर z नॉट का वैल्यू कितना है मैंने कहा z नॉट का वैल्यू 20 है और अल्फा बीटा गामा निकालना है फिर पुट करके देखना है कि अल्फा बीटा गामा इनमें से क्या सेटिस्फाई कर रहा है सर हाँ। आइए भाई साहब जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये रहा फॉर्मूला इसी पेज को कॉपी किया बहुत सही। तो देखो आपको ये समझ में आया सर जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दी हुई है सर यहां से प्लेन की इक्वेशन क्या दी है मैंने कहा सर देखो प्लेन की इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन यानी सर a का वैल्यू क्या है। अब देखो भैया एक और सिंप्लीफाई करो इस पूरे वन को एक तरफ ले आओ माइनस वन इक्वल टू जीरो सही बात है। अब जैसे भी आप पीछे से कंपेयर करोगे इससे आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे बेटा कि a का वैल्यू कितना होगा सर a का वैल्यू होगा वन सर b का वैल्यू कितना वन c का वैल्यू कितना वन सर d का वैल्यू कितना है माइनस वन है सर हाँ। अब देखो भैया x नॉट y नॉट z नॉट की भी वैल्यू आपको पता है सर x नॉट कितना है आप यहां पे ध्यान दो भाई x नॉट कितना दिया हुआ है सर जो x नॉट दिया है वो 10 15 20 बहुत ज्यादा सही 10 15 20 मतलब सर इस वाले फॉर्मूले में ये होगा 10 ये होगा 15 और सर ये क्या होगा 20 है सर हाँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इमेज तो यही दिया हुआ है अब यहां पे देख लो भैया इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जल्दी से हम लोग पुट करते हैं तो जैसे भी आप पुट करोगे आप पाओगे सर अल्फा माइनस 10 डिवाइडेड बाय ए सर बीटा माइनस 15 डिवाइडेड बाय ए सर गामा माइनस 20 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स बहुत सही इसको इसमें सेटिस्फाई करो ठीक है ना इसमें सेटिस्फाई करोगे 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 जो भाई पीछे फॉर्मूला दिया है उसी को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं तो याद रहेगा 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सॉल्व करो भाई 44 आएगा मेरे ख्याल से 45 44 मतलब सर ये आ जाएगा माइनस 88 डिवाइडेड बाय 3 बहुत सही। आप बताइए सर कि क्या करना है मैंने कहा एक बार इसको भैया इसके साथ इक्वेट करो सही बात है ना क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर इसको जब सिंप्लीफाई किया तो यहीं तो पहुंचोगे ना यार।
अब देख लो भाई साहब, मैं देखो क्या कर रहा हूं सर, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, इससे भैया अल्फा आ जाएगा। ठीक है भाई, जैसे आप इक्वेट करो देखो अल्फा कितना आ रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान से करिएगा, वैसे ध्यान से करने की जरूरत नहीं, तुम सब जेई एडवांस रैंक होल्डर्स हो तो तुमसे क्या टेंशन बेटा, तुम जो करोगे बेटा सही करोगे। ठीक सर, हाँ देखो सर भैया अल्फा कितना आ जाएगा, सर अल्फा आ जाएगा 10 - 88/3, सर अल्फा आ जाएगा -58/3। बहुत सही है सर। हाँ अब ऐसे भैया देख लीजिए, अब क्या करना है सर, अब की बार आप फिर इसको इससे इक्वेट करोगे, है सर, इससे बीटा आ जाएगा। बहुत सही, आ जाइए भाई साहब, तो इससे आप क्या करोगे सर, यहां से आ जाएगा बीटा -15 - -88/3, तो बीटा कितना हो जाएगा सर, 15 - 88/3, तो सर बीटा आ जाएगा, तुम्हारी तरफ मैं देख नहीं रहा बेटा, है -43/3। और सिमिलरली आप बेटा समझ गए होंगे क्या सर, सिमिलरली क्या करेंगे सर, ये जो तीसरे वाले चाचा है इनको इनसे इक्वेट करोगे। अरे वाह सर, अरे कहां गए चाचा, अरे वाह सर, अरे रुकना, हटो हटो हटो, बहुत सही, इससे आ जाएगा भैया गामा। तो गामा कितना आएगा भैया, गामा मैं लिखते रहा हूं 20 - 88/3, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, सिंप्लीफाई करो, मैच करो, क्या गामा भाई साहब -28/3 आता है, है सर। सर आज मेरे पास अल्फा है, बहुत अच्छे, आज मेरे पास बीटा है और आज मेरे पास गामा है, बेटा चेक तो कर लो सही निकाले हो कि नहीं, पता चला कुछ मिस्टेक हो गई है सर, हाँ मिस्टेक नहीं होने चाहिए, जरा चेक करें, -58/3, -43/3 और -28/3 है सर। आइए भैया ऑप्शन जरा मैच करते हैं, ठीक है, आइए सर ऑप्शन मैच करते हैं। अब देखिए भाई साहब इतनी चीज आप देखो समझ गए होंगे सर, क्या अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की पता है, बहुत सही, अल्फा पुट करो सर कितना, यहां पे जैसे भी आप पुट करोगे अल्फा को -58/3, समझ लो -58/3, सर बीटा करोगे बीटा आ जाएगा -43/3, तो आप देखना 101 ही आएगा, मतलब देखो भैया वैल्यूज आप पुट करके देखना तो मैच करेगा ए बी, और साथ में क्या होगा सर सी, है सर, ए बी सी विल बी द आंसर। ओके सर, हाँ बेटा इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा एबीसी, था ना इसी सवाल, देखा जाए इस सवाल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्लेन में आपको पॉइंट की इमेज निकालना आना चाहिए, एक बार इमेज निकाल लिया सेटिस्फाई कराएगा, आंसर पाएगा। अगर बेटा ये सवाल आपने खुद से कर लिया था तो आपको कमेंट करना है जेबीके विद दिल, करियर की कसम है, अगर बताने के बाद भी समझ में नहीं आया तो गुस्सा आएगा मुझे, ठीक है। और भाई साहब अगर 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 आपने मैं समझाने वाला समझ लिया है तो कमेंट करोगे जेबीके विद दो दिल जय बाबा की, करियर का समय भैया करना है सर। हाँ अब देखो यहां तक भैया पहुंच गए, बहुत सही, अब बताइए सर, मैंने कहा आता है नेक्स्ट सवाल मैट्रिक्स का, भाई ये भी बहुत ही इजी किल सवाल है सर। हाँ आपसे बोला गया कि सर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं सर, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ए, है सर। हाँ फिर क्या बोला गया कि सर ये वाली जो मैट्रिक्स है ये सर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, है सर। हाँ फिर आपको भैया 9 बीटा की वैल्यू बतानी है, बहुत सही, आइए जरा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, चलो भाई शायद पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, बाती मेरी बारी सर क्या है, मैंने कहा सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब सर इसका जब आप डिटरमिनेंट लोगे -β - -1 - β - (a^5) = कितना होगा, जीरो, है सर। हाँ अब भाई साहब जरा यहां पे आप और ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर a^5 को अगर आप यहां से प्री कॉमन लेते हो तो देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a^2 - β - 1 (a) और माइनस बचेगा β = 0, है सर। हाँ अब एक चीज देखना भाई, अल्फा और बीटा भाई साहब नंबर है, यहां पे अल्फा बीटा एक नंबर है, देखो भैया मैट्रिक्स के अंदर है, अल्फा तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, सिर्फ बीटा ही है, बीटा एक नंबर है, तो देखो भैया कभी मैट्रिक्स के केस में बीटा को भैया अकेला नहीं छोड़ा जाता, मतलब नंबर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो यार बीटा में मुझे आई से मल्टीप्लाई जरूर कराना है। आइए बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, करें। हाँ अब यहां भैया देखिएगा, याद है डिटरमिनेंट ऑफ a^5 अंदर आ जाएगा सर a^2 - β(a) + कितना आ जाएगा a, माइनस आ जाएगा भाई साहब β(i), है सर। हाँ पूरा डिटरमिनेंट बराबर जीरो, समझ गया ना भैया, नंबर को अकेला नहीं छोड़ते, नंबर के साथ आई जरूर लिखते हैं, ओके सर, यस बेटा। अब देखिए भैया अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा सर देखिए, हाँ सर यहां पे आप क्या कर सकते हो सर, इन दोनों में कॉमन कॉमन खेल सकते हो, आइए सर खेलते हैं, डिटरमिनेंट यहां जाएगा सर a^5, बहुत सही, इसमें सर प्री कॉमन आएगा ये, अंदर बचेगा a - β, बहुत सही, फिर से आप समझ रहे हो सर, बीटा नंबर अकेला नहीं छोड़ सकते, तो यहां पे क्या छोड़ना पड़ेगा सर, आई, फिर क्या सर बचा
ए माइनस बीटा आई, थैंक यू, है सर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए भाई साहब, हमें देखो क्या करना है सर, सर क्या करना है, क्या करना है सर, आइए भाई साहब देखिए क्या करना है सर। ए माइनस बीटा आई को आप ले लो कॉमन, अब देखो क्या बचेगा सर, डिटर्मिनेंट ए की पावर फाइव, कॉमन किसको लिया सर, ए माइनस बीटा आई, बहुत सही, और अंदर क्या बचा सर, ए प्लस वन, समझे ना, ए प्लस वन, ए प्लस वन। अब आप समझ लो फिर से, मैट्रिक्स के साथ नंबर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पे वन इंटू आई करेंगे, एंड व्हाट इज वन इंटू आई, आई, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तभी आप ये सेशन देख रहे हो और ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपने जेईई मेंस क्लियर कर लिया, इसलिए आप एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो, है सर। अब देखिए भैया क्या है, अब देखो ये जो तीन भैया मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट लेना है तो ये डिटरमिनेंट बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए की पावर फाइव का डिटरमिनेंट इंटू आ जाएगा सर ए माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट, बहुत सही, और आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई, बहुत सही, इक्वल टू जीरो, बहुत सही। अब एक चीज और देखिएगा, क्या सर, ए की पावर फाइव का डिटरमिनेंट, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, पावर तो बाहर आ जाएगी, ये तो प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज्यादा सही। अब देखो भैया इन तीन का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, अगर इन तीन का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर फाइव जीरो होगा, मतलब सर या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए, बहुत सही, बहुत सही है, हाँ, या फिर भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई जीरो होना चाहिए, अच्छा है, या फिर क्या सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई जीरो होना चाहिए, बहुत सही है, इन तीनों में से सर कुछ ना कुछ होना चाहिए, है सर, हाँ होते सर, बिल्कुल इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब बताइए सर क्या करें, मैंने कहा सर आप डिटरमिनेंट ए निकाल के एक बार देख लेते हैं कितना आता है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए जीरो बोला जा रहा है, एक बार डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर इसको निकाल के देख लेंगे, बोला गया ये जीरो आना चाहिए, तो भैया चेक कर लेते हैं। अब देखो भैया जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए है सर, तो देखो भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला है बीटा जीरो वन, बहुत सही, बीटा जीरो वन सर, दूसरा क्या है सर, सर टू वन माइनस टू है सर, यह है टू वन माइनस टू सर, तीसरा क्या है थ्री वन माइनस टू है, तीसरा है थ्री वन माइनस टू। अब ये आप इसको अगर ये निकालोगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें अलोंग भी रो वन, इसे सॉल्व कर लेते हैं अलोंग आर वन, ठीक है भाई, हाँ, तो आर वन करोगे कितना आ जाएगा सर, बीटा इंटू माइनस टू प्लस टू, भाई साहब सॉल्व कर लोगे, माइनस जीरो टाइम्स, जीरो टाइम्स कुछ भी करो जीरो ही आएगा, प्लस आ जाएगा भैया वन टाइम्स कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा टू माइनस थ्री, सॉल्व करो कितना आ जाएगा सर, यह आ रहा है सर माइनस वन, और भाई साहब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन आ रहा है, माइनस वन ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, हम भी चेक कर लेंगे, माइनस वन आ रहा है कुछ और आ रहा है, वैसे तो यही आ रहा होगा लेकिन फिर भी माइनस वन है, हाँ बहुत सही माइनस वन है, इसका मतलब क्या है सर, डिटरमिनेंट वन है ये, सॉरी माइनस वन है ये, जीरो नहीं है, मतलब सर इस वाले केस को हम लोग क्या कर देंगे सर, इस वाले केस को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, डेट इज नॉट द केस, इसको भैया डिस्कार्ड कर दो। अब आता है भैया ए प्लस आई भी एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत सही, फिर बीच वाला चेक कर लेंगे। देखो भैया जैसे मैं आपसे कहूं कि सर आइए a प्लस आई निकालिए, हमने कहा सर a प्लस आई, हाँ सर a क्या मैट्रिक्स है, मैंने कहा a है बीटा जीरो वन सर, b के ये है टू वन माइनस टू, तीसरा है सर थ्री वन माइनस टू है, फिर प्लस करो भैया i के साथ, i आ जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है भाई। अब जैसे बेटा करोगे a प्लस आई तो यह आ जाएगा सर बीटा प्लस वन जीरो और वन, भाई साहब आप एड कर लेना, ठीक है तुम्हारी तरफ देख लेना बेटा, एड कर लेना, टू प्लस जीरो टू या जाएगा सर टू या जाएगा सर माइनस टू, यहां देखोगे सर थ्री या जाएगा वन या जाएगा माइनस वन। अब जैसे भी आप डिटरमिनेंट इसका निकालोगे ए प्लस आई का, तो देखो कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा सर ये तो यह आ जाएगा भैया बीटा प्लस वन, मेरे ख्याल से आप मेरे से फास्ट निकाल सकते हो, यह आ जाएगा माइनस टू प्लस टू, बहुत सही, फिर दूसरा तो जीरो ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा वन टाइम्स टू माइनस सिक्स, क्या बात सही है, टू माइनस सिक्स मतलब मैं देख रहा हूँ सर इसकी वैल्यू आ रही है माइनस फोर, ये तो जीरो ही हो गया, अरे दादा रे, यानी सर डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई भी नॉन जीरो है, ये भी माइनस फोर आ रहा है, किस्मत अच्छी है हम लोग ये निकाल पा रहे हैं, अरे समझे, अभी जरा मतलब सर ये भी डिस्कार्ड हो गया, अरे वाह सर, मतलब सर ये मुझे समझ में आया इन तीनों के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जीरो था, मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो तीनों भी जीरो हो सकते थे, कोई दो भी जीरो हो सकता था, तो मैंने निकाला ये भी नॉन जीरो आ गया। आप पीछे देखो ये भी भैया ये माइनस फोर आ गया, ये सर माइनस वन आ गया, मतलब सर अगर जीरो प्रोडक्ट आ रहा है तो यही हो सकता है कि ए माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट जीरो रहा होगा,
बहुत सही। अब देखो भैया कितना इजी सा सवाल हो गया है। आइए भैया सॉल्व करते हैं। a माइनस बीटा आई निकालना है। बहुत सही, a माइनस बीटा आई। सर a क्या है? आइए भाई साहब देखते हैं कि a मैट्रिक्स कौन सी है। a मैट्रिक्स है भैया बीटा जीरो वन, टू वन माइनस टू, यही है ना, टू वन माइनस टू, थ्री वन माइनस टू। बहुत सही, थ्री वन माइनस टू। समझ गए। अब आता है भैया बीटा आई। अब देखो बीटा आई क्या होगा, बीटा जीरो जीरो, जीरो बीटा जीरो, जीरो जीरो बीटा। अब जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस बीटा जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन। तीसरा देखोगे सर यह आ जाएगा टू, यह आ जाएगा सर वन माइनस बीटा, यह आ जाएगा सर माइनस टू, यह आ जाएगा थ्री, यह आ जाएगा वन, और यह आ जाएगा माइनस टू माइनस बीटा। बहुत सही। आइए भाई साहब इसका डिटरमिनेंट मुझे पता है कितना होना चाहिए, सर जीरो होना चाहिए। बहुत सही, यहां तो भैया श्योरली मैं बोल सकता हूं कि जीरो होना चाहिए। अब देख लो भाई साहब डिटरमिनेंट निकालो, रो वन, रो वन, तो ये दोनों जीरो है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, इसका डिटरमिनेंट देखो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, टू माइनस थ्री टाइम्स वन माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। बहुत सही। और सॉल्व करो सर, यह आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन प्लस थ्री बीटा बराबर जीरो। सही है, यानी सर थ्री बीटा कितना आ जाएगा, सर वन आ जाएगा। मैंने ठीक किया ना? अगर भाई साहब थ्री बीटा वन है, इसका मतलब क्या है सर, नाइन बीटा आपसे पूछा गया है, सर वो आ जाएगा थ्री, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर है। नाइन बीटा कितना आ जाएगा, थ्री, एंड दिस विल बी द आंसर। है सर? हाँ, होते सर। हाँ, मैच कर लेते हैं। वैसे ये मुझे तो याद है, पर तुम चाहो तो मैच कर सकते हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है भाई, हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए प्लस आई का डिटरमिनेंट गलत निकाला है क्या? इसमें कुछ और आ रहा है, माइनस फोर नहीं माइनस वन आ रहा है। मैंने गलत नहीं किया, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है, जो निकाला है बिल्कुल सही है। तो नाइन बीटा भैया थ्री आ रहा है, यही आंसर है। एक चीज बताना चाहूंगा, ये वाला जो भैया स्कोर, ये वाला सवाल भाई साहब देखो तीन नंबर का था, समझ लो तीन नंबर का था। और हाँ, ये वाला जो सवाल है ना, ये भाई साहब चार नंबर का था। ये वाला सवाल भैया देखो चार नंबर का था, ये जो करा ना, ये वन और मोर देन करेक्ट था, तो ये भैया चार नंबर का था। अब तक अगर एक चीज बताऊं, आपके 25 नंबर सिक्योर हो गए, क्योंकि भाई अब तक जितने मैंने सवाल कराए अगर आप पीछे देखोगे तो भाई सात सवाल थ्री मार्क्स ईच के हैं जितने अब तक कराए, ठीक है भाई, और एक सवाल भैया फोर मार्क्स ईच का है। इसका मतलब सर 21 नंबर ये हो गए, चार नंबर ये हो गए, 25 नंबर सिक्योर। जबकि अब तक जेई एडवांस में कट ऑफ था भैया 55 नंबर जनरल का, 25 नंबर अकेले मैथ्स में आपके आ सकते थे, जिसमें आप रिजल्ट देखते और कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ जाता है सर। हाँ, अब यहां पर और ध्यान से देखिए सर, आपने तो 49 मार्क्स कहा था। देखो 49 मार्क्स क्यों कहा था, क्यों? एक चैप्टर भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसकी पूरी मैचिंग आ गई थी। मेरी बात क्लियर है? उसकी पूरी मैचिंग आ गई थी। ये वाला सवाल तीन नंबर का था, मतलब अब तक आपके 25 नंबर आ चुके हैं, तीन नंबर का भी ये सवाल था, मतलब कि कितना हो गया, 28 मार्क्स हो चुके हैं आपके, ठीक है भाई। हाँ, अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है? मैंने कहा सर देखो बहुत ही इजी सवाल है, आधेतर लोग ट्रिग्नोमेट्री देख के सवाल छोड़ देते हैं, पर बहुत ही बेसिक सवाल है। आपसे बोला गया है कि एक सेट भैया है, उसमें एक्स जो है वो माइनस टू पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री के बीच में लेना है, और सर जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे वन है, तो आपको बताना है इसमें सर कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कितनी एक्स की वैल्यू होगी, कितने एलिमेंट्स का मतलब कितनी एक्स की वैल्यू होगी। तो देखो भैया यहाँ सवाल देखो कैसे करेंगे, है सर, यहाँ सवाल मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे, एक नजर रुकिएगा। हाँ, यहाँ सवाल सर कैसे करेंगे, अगर ये फर्स्ट वाला हम लोग करने बैठ रहे हैं तो देखो ऐसे करेंगे, कैसे बताते हैं, ऐसे करेंगे सर। आपको दिया हुआ है कि सर ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कितना है, सर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वन है सर। हाँ, अब देखो भैया क्या करेंगे सर, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो रूट टू से सर डिवाइड करेंगे, तो रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई करो, और सर देखो रूट टू से नीचे डिवाइड करो, है सर। हाँ, रूट टू से मल्टीप्लाई, और सर रूट टू से करो सर मल्टीप्लाई। बहुत ज्यादा सही, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप जानते हो सर व्हाट इज वन बाय रूट टू, सर इसको लिख सकते हो आप कॉस ऑफ पाई बाई फोर, है सर, इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाई फोर। ये वाला जो वन बाई रूट टू, इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हो सर साइन ऑफ पाई बाई फोर। अब आप देख रहे हो सर ये क्या लिखा है, cos x cos pi by 4 plus sin x sin pi by 4, मतलब cos a cos b plus sin a sin b। अब देखो भैया क्या करने वाले हैं, रूट टू को वहां पे भेजना है सर, ये आ जाएगा सर cos of x minus pi by 4 बराबर कितना सर, बराबर आ जाएगा 1 by रूट टू। अरे होते सर, हाँ बेटा, अरे होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया आपको देखो फॉर्मूला ये पता है सर, क्या फॉर्मूला पता है कि अगर कहीं पे दिया हो, ठीक है ना। हाँ, इसको देखो पहले मैं देखो इससे इक्वेट कर दे रहा हूं कॉस ऑफ पाई बाई फोर से, क्योंकि वन बाई रूट टू कॉस पाई बाई फोर होता है। अब देखो भैया एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा सर, कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, ए क्या हो जाएगा, मैंने कहा ए हो जाएगा भैया टू एन पाई प्लस माइनस बी,
है सर, टू एन पाई प्लस माइनस बी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा है सर। हाँ, अब यहां पे भाई साहब जरा और ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा सर ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, बराबर टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, और देखो एन इसमें इंटीजर होता है। अब देखिए भैया सवाल में आपको ये डायरेक्ट दिया हुआ है कि सर आपको एक्स वो बताना है इसमें जो माइनस टू पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री के बीच में हो, तो यहाँ पे एन की भैया डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अगर मानो भैया एन को जीरो पुट किया तो देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, दूसरी पाई बाई फोर आएगी। अब यह पुट करके सोल्व तो करना ही पड़ेगा, समझे, एन को जीरो पुट करो तो सोल्व करके दिखा देता हूं, एक्स माइनस पाई बाई फोर बराबर प्लस माइनस पाई बाई फोर, इसको उधर ले जाओ तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा भैया पाई बाई फोर प्लस माइनस पाई बाई फोर। एक बार भैया जैसे प्लस साइन लोगे तो यह आ जाएगा पाई बाई टू, और दूसरा माइनस साइन लोगे तो आ जाएगा जीरो। मतलब सर क्या वैल्यूज आएंगी, पाई बाई टू और जीरो, क्या भैया सॉल्व करके देख लोगे। और ये जो दोनों वैल्यूज है सर, ये दोनों के दोनों वैल्यूज क्या है सर, माइनस टू पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री के बीच में है। बहुत सही, और बताइए सर, और बताइए सर, और देखो भैया क्या बताएंगे। अगर बेटा इसी में हम लोग क्या करें सर, अगर इसी में एन को भाई साहब पुट कर दें वन, तो एन को भैया वन पुट करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा पाई बाई फोर, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा भैया टू पाई, और प्लस माइनस आ जाएगा पाई बाई फोर। तो इसके भैया जो दोनों की दोनों जो वैल्यूज आएंगी, चाहे प्लस साइन लो चाहे माइनस साइन लो, भैया चेक कर लेना, ये सर आउट ऑफ आएंगी, ये आउट ऑफ, ये इस वाले इंटरवल में भैया नहीं होंगी, माइनस टू पाई बाई थ्री से लेके टू पाई बाई थ्री के बीच में ये नहीं होंगी जो आपको चाहिए था। तो भैया आपको समझ में आएगा, जब n बराबर 1 के लिए नहीं आ रहा है तो मतलब 2, 3, 4 के लिए भी नहीं आ रहा होगा। आप क्लियरली बोल सकते हो ना ही इसके लिए कोई ऐसा आएगा, ना ही इसके लिए कोई ऐसा आएगा, n बराबर 3 के लिए भी कोई ऐसा नहीं आएगा। आप ये माइनस वन भी पुट करके देख लेना, उसके लिए भैया देखो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, मतलब माइनस वन माइनस टू किसी के लिए नहीं आएगा। ये भैया देखो आपको भाई साहब पुट करके चेक करना होगा, एग्जाम में भी लोग चेक करते हैं। अब अगर आप प्राउड जेए आर एच हो, जे एडवांस रैंक होल्डर हो, तो भैया चीजें पुट करके देखोगे। अब देख लो भैया कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, सर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, जीरो और पाई बाई टू, ठीक है भाई। तो देखो ये मेरे को समझ में आया सर, ये जो फर्स्ट वाला है सर, ये फर्स्ट वाला सर किससे मैच कर रहा है सर, ये देखो पी से, क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ भाई दो ही सॉल्यूशन आए हैं। इसका मतलब क्या है सर, सी और डी नहीं हो सकता है, होगा तो सर ए और बी में कोई ना कोई होगा। बहुत सही, अब आता है सर देखिए इसका सेकंड पार्ट, आइए भैया इसका सेकंड पार्ट करते हैं सर। हाँ, अब भैया सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, क्या है सर, हमने कहा सेकंड पार्ट में ये है सर, रूट थ्री जो टेन एक्स है, टेन थ्री एक्स है, ये सर देखिए वन के बराबर है सर, और यहां देखिए भैया ये एक्स ऐसा कुछ हो गया है। आइए सर ये वाला सॉल्व करते हैं है सर। अब देखो भैया इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सर, इससे आपको समझ में आएगा सर, जो टेन थ्री एक्स है सर, यह आ जाएगा वन बाई रूट थ्री। थैंक यू। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, क्या मैंने कहा सर टेन थ्री एक्स जो है ये बराबर आ जाएगा सर टेन ऑफ थर्टी डिग्री है सर। और जरा भाई साहब ध्यान से देखिएगा सर, क्या देखना है, मैंने कहा सर अगर आपको tan a बराबर tan b दिया है, बेटा फॉर्मूला जल्दी से लिख लेना, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू होता है भाई n pi प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, जल्दी लिखो बेटा, ठीक है जल्दी। अब यहां पे मुन्ना जरा ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर ये a है ये b है, यानी सर 3x क्या हो जाएगा, मैंने कहा 3x हो जाएगा n pi प्लस pi by 6। बहुत सही, यानी सर x कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा n पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई 18 है सर। हाँ, अब भाई साहब आपको देखो यही चीज देखिए यहां पे भी चेक करनी है सर, क्या चेक करना है यहां पे, मैंने कहा सर कौन सा x माइनस फाइव बाई 18 से फाइव बाई 18 के बीच में है सर। आइए इसमें वैल्यू पुट करिए, मैंने कहा इनको जीरो पुट करो तो एक्स आ जाएगा पाई बाई 18, जो देखो भैया इस वाले इंटरवल में है, इस वाले इंटरवल में है। बहुत सही, एन को सर वन पुट करो, बहुत सही, वन पुट करते ही देखो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, देखना भैया वन पुट करते ही सर सेवन पाई बाई 18, क्या ये इस इंटरवल में है? नहीं भाई साहब, ये देखो इस वाले इंटरवल में नहीं है, यानी सर टू थ्री फोर कुछ भी लोगे इस इंटरवल में नहीं आना है, क्योंकि नंबर और भी बड़ा होता जाएगा, क्योंकि नंबर और भी बड़ा होता जाएगा। अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा सर, क्या देखना है, मैंने कहा सर अगर मैं एन को पुट कर दू माइनस वन, यानी सर एक्स कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर देखो ये मैंने काटा हुआ है, ठीक है डिस्कार्ड किया है, ये काटा हुआ, ऐसा करते हैं इसी के ऊपर काट देते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए ऐसे। हाँ, अब देखो भैया यहां पे क्या, जैसे आप माइनस वन पुट करोगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस फाइव पाई बाई 18 है सर। हाँ, क्या इसको लोगे? हाँ सर, इसी इंटरवल में है, सही बात है, क्योंकि क्लोज है। अब आपको भैया ये समझना होगा सर, क्या समझना होगा, अगर आप माइनस टू लोगे तो वो फिर से माइनस फाइव बाई 18 से और छोटा हो जाएगा, मतलब इंटरवल से बाहर हो जाएगा। यानी सर अभी भी सिर्फ देखो इसके भी दो ही सॉल्यूशन आए हैं, हैज टू सॉल्यूशन, चाहे एलिमेंट्स बोलो चाहे हैज टू एक्स की वैल्यू बोलो,
चाहे हैज टू सॉल्यूशन बोलो, यानी सर इसका भी पी है और इसका भी सर क्या है, पी है, हैज टू सॉल्यूशन, तो आप समझ लो सर इसका बी ही आंसर हो सकता है, बाकी कोई भी आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब बाकी दो तो हमें चेक करना होगा, इजी किल सवाल, तीसरा चौथा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब यह पहले दो का पीपी आ गया तो पीपी सिर्फ देखो किसमें है, सिर्फ बी में ही तो है, इजी किल, इजी किल है सर। हाँ, अब ये जो दो है ना भाई साहब, अब ये आपके लिए देखो होमवर्क है, कैसे करना है आपको पता है, चलो कर देता हूं, हेल्प कर देता हूं, समझ में इजी किल क्यों है, क्योंकि इसके लिए चारों नहीं सॉल्व करने, सिर्फ दो सॉल्व करने, और भैया बेसिक फॉर्मुला आना चाहिए, है सर, और क्या होते सर, बिल्कुल सही। तो देख लो भैया आंसर मैं हर जगह देखो टिक कर ले रहा हूं, भैया ए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी है, सिर्फ और सिर्फ बी है, बहुत सही। अब आता है भैया इसी में देखो तीसरा पार्ट, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, कर देते हैं, कर देते हैं, 28 नंबर देखो सिक्योर तुम्हारे कर दिए हैं, सर आप तो 49 बोल लेते, हाँ अभी 28 करें। अब जरा ऐसा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से है सर। अब यहां देखो भैया इस वाले सवाल में, अब भैया इसको भी देखो कैसे करोगे, सर कॉज में है, बहुत सही, क्या लिखोगे सर, cos 2x बराबर रूट 3/2, यही तो आ जाएगा, अरे वाह सर 2 को उधर भेज दिया। अब क्या इंटरवल रखना है, -6/5 से -6/5, अब क्या करें सर, मैंने कहा सर 2x इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा 2n पाई प्लस माइनस 30 है सर, हाँ प्लस माइनस 30, बहुत सही। और अगर सिंप्लीफाई करना और करो 2 से डिवाइड कर दो तो x कितना आ जाएगा सर, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 है सर। हाँ, अभी आपको वो x चाहिए जो सर इस इंटरवल में है, जो सर इस इंटरवल में है। अब देखो क्या करेंगे सर, मैंने कहा सर n को 0 पुट करो, जैसे n को 0 पुट करोगे तो देखो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 6। क्या ये दोनों इस इंटरवल में है, हाँ सर दोनों इस इंटरवल में, दोनों इस इंटरवल में, ठीक है पुट करके देख लेना बेटा। अगर भैया n को मैं 1 पुट करूंगा तो 1x आ जाएगा आपका 5π/6, बहुत सही, और दूसरा कितना आ जाएगा सर, दूसरा आ जाएगा 7π/6। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ये दोनों देखो फिर से भैया इसी इंटरवल में है, सही बात है ना, हाँ बिल्कुल सही भाई, दोनों इसी इंटरवल में है। अभी इनको जरा आप 2 पुट करके देख लो, मेरे ख्याल से इनको जैसे भैया 2 पुट करोगे अब चीजें देखो इंटरवल के बाहर चली जाएंगी, ठीक है भाई। आप जैसे 2 पुट करोगे तो एक्स क्या आ जाएगा भाई, 1x आ जाएगा 11π/6, सही भाई यही आएगा ना 11 12, हाँ, और दूसरा कितना आ जाएगा सर, दूसरा आ जाएगा आप देखोगे तो आ जाएगा 13π/6 है सर। इसका मतलब क्या है सर, इन दोनों को ही नहीं लेंगे, इन दोनों को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों सर इस वाले इंटरवल से बाहर है। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत ज्यादा सही है सर, हाँ बहुत ज्यादा सही। अब सर बताइए क्या किया जाए, मैंने कहा भैया माइन, अब ये तो क्लियर है भैया 3 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो 3 तो लोगे नहीं, यानी सर अगली चीज क्या चेक दे रहे भैया, देखो फर्जी में हम लोग सोल्व करें, कुछ बच्चों की देखो आदत बेटा खराब होती है, वो लोग क्या करते हैं पहले चारों सोल्व करते हैं फिर ऑप्शन मैच करते हैं। भाई सब ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए सर, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे, मैंने कहा पहले का पी आ गया, देखा पी सिर्फ 2 में था, बाकी 2 को बढ़ा दिया, दूसरे का पी आ गया, देखा सिर्फ सेकंड में था, इजी किल, काम खत्म, तीसरा चौथा क्यों सॉल्व करोगे। अब देखो भैया जैसे, अच्छा 3 नहीं पुट करते हैं, ऐसा करते हैं भैया इनको पुट कर देते हैं -1, जैसे पुट करोगे देखो एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा -7π/6, सही बात है ना, 1 आ जाएगा -7π/6 जो इस इंटरवल में है, और सर दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा भैया -1 पुट करते ही -5π/6 है जो इस इंटरवल में है, उसके अलावा भैया कोई नहीं आएगा, आप चेक कर लेना कोई भी नहीं आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका सर होना चाहिए 6 का मतलब टी है सर, हाँ होते सर एकदम सही। और इसी के साथ भैया जो फोर्थ वाला है इसको एक बार भैया खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है भाई, ये वाला जो है ट्राई बाई योर सेल्फ, ट्राई इट योर सेल्फ है सर, हाँ ट्राई इट योर सेल्फ होते सर, यस बेटा इसको बेटा आप देखो खुद इसको ट्राई करो, ठीक है। इसका आंसर क्या पता ही है यार, जब बी ऑप्शन है तो फोर्थ का आर ही तो होगा, R का मतलब क्या 4 एलिमेंट्स आएंगे, इसका आंसर B है सर, हाँ। तो देखो भैया अब तक आपके 28 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। इसके बाद आता है भैया ये सवाल, दिखने में कितना खतरनाक है भैया, महा इजी सवाल है, ठीक है। और हाँ फिर से एक चीज में बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा, 3 नंबर का ये भी था, 31 मार्क्स भैया आपके सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है, ये भी भैया 3 मार्क्स का था। अब सोचो भैया कट ऑफ है 55 कट ऑफ है, उसमें से 31 मार्क्स इन इजिकल सवाल से आपको मिल गया, क्या रीजन है आपके नहीं सेलेक्ट होने का, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में 24 नंबर नहीं ला पाओगे। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 55-56 मार्क्स लेके आ जाते तो फिर आपको बड़ा अच्छा कॉलेज मिल जाता, यार आईआईटी में सिर्फ मैं सेलेक्ट होने की आज बात करने आया हूं, मैं आज टॉप रैंक की देखो बात करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सेलेक्ट होने की बात करने आया हूं, है सर, हाँ होते सर, यस। आइए बेटा सवाल करते हैं। अब देखो भैया क्या बोला गया है, चारों ऑप्शन में देखो पढ़ना सीखो, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफजीएच ही निकालना है, चारों में ये लिखा है, बस ये 5 एंगल भैया डिफरेंट लिया हुआ है, बाकी चारों में आपसे कहा गया है ट्रायंगल ऑफ एफजीएच का आपको एरिया निकालना है,
अरे भाई साहब, यानी कुछ नहीं सोचना, बस इसको भैया एक बार पढ़ना है, सॉल्व करना है। आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं, है सर? हाँ, आ जाइए चाचा, इसको सॉल्व करते हैं। और इसके देखो ये भैया ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर से एक एक आंसर निकाल के चीजों को एलिमिनेट कर देना कि क्या आंसर आ सकता है, ठीक है भाई? हाँ, अब देखो भैया क्या चीज है सर? हाँ, सबसे पहले भैया इसको लिखने का स्पेस बना ले जरा, इस पूरे को काला कर देते। अरे चाचा तुम सेलेक्ट का ही नहीं हुए, रुको जरा, डिचुम 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 डिचुम, जो जो बोला गया भैया उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक भैया वीडियो को आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर? हाँ, फिर किसकी बारी आएगी? मास्टर MSM की बारी। बहुत सही, है सर? बहुत ज्यादा सही। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब देखिए भैया सवाल में क्या बोला गया है, ये एलिप्स है, ओके, एच भैया अल्फा कॉमा जीरो और अल्फा जीरो से टू के बीच में, मतलब पॉइंट कौन सा है, समझ में आ गया, एक्स एक्सिस में है। एक स्ट्रेट लाइन भैया ड्रॉ करी गई है थ्रू एच पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इतना लंबा देखकर डरना नहीं होता है, कितना लंबा सवाल देखकर डर गए, अरे टेंशन नहीं लेने का, डोंट फियर बाबा हियर, डोंट फियर। तीन नंबर और है सर? हाँ, अब देखो भैया क्या है सर, ये जो वाई एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइन है, इट क्रॉसेस द एलिप्स, ये एलिप्स को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और इसके ऑक्सिलरी सर्किल को एट पॉइंट्स ई एंड एफ, मतलब एलिप्स को कट कर रही है ई पे, हिंदी में क्या, हिंदी मतलब समझा रहा हूं, एलिप्स को कट कर रही है ई पे और उसके ऑक्सिलरी सर्किल को भैया कट कर रही है किस पे, एफ पे। अच्छा ऑक्सिलरी सर्किल की क्या इक्वेशन होगी, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो सर, ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा सर? सिंपल सा है, अगर एलिप्स देखो तो ए का वैल्यू सर 2 है सर, बी का वैल्यू क्या है रूट 3 है, बहुत सही, मतलब सर ए ग्रेटर देन बी है, यानी ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा सर 4 है सर, मतलब कितना होगा सर, ये होगा 4। बहुत ज्यादा सही है सर, बहुत ज्यादा सही, सही बात है ना? एक रुकना जरा, चीजें सही कॉपी हुई है, हाँ सही कॉपी हुई है। चलो अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, अब ये बोला गया है कि जो ई और एफ पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे बोला गया है, फिर टेंजेंट इलिप्स से बनाना है ई पॉइंट पे, जैसा बोला गया है, इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट पॉइंट जी, एक भैया देखो यहाँ पे पॉइंट जी भी है, ठीक है, सपोज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाइव विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको ऑप्शन जो दिए थे वो करने थे, है सर? आइए सर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाइए सर कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत सही, सुंदर सुंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब क्या करना है सर, अब इसका बनाना है आपको इलिप्स, है सर? इसका क्या बनाना भैया, अब आपको इसका बनाना है इलिप्स। अब क्या बोला गया सर, इसके बाद आपको क्या करना है सर, एक बनाना है ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल ही बनाना है तो सर्कल ही ले लिया जाए, हाँ यहां से आएगा सर्कल, बहुत सही। अब यह सर्कल इसका सेट करो जल्दी से चाचा। अब देखो भैया क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा सर, क्या मैंने कहा सर ऑक्सिलरी सर्कल ये येल्लो वाला है, इस येल्लो वाले की इक्वेशन ये है, पिंक की इक्वेशन आपको पता है, पिंक की इक्वेशन देखो भैया ऊपर पिंक से कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना। अब देखिए भाई साहब क्या करना है सर, क्या करना है सर, बीच में क्या है ओरिजिन, अब देखो क्या बोला गया है, आप जानते हो सर ये पॉइंट कितना होगा सर, ये होगा 2.0, बहुत सही, ये होगा सर -2.0, आपको ये चीजें पता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब बोला गया देखो एच पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे, लेकिन उसका जो एब्सिसा है सर, एब्सिसा उसका 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, है सर? अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा, 0 से 2 के बीच में मतलब एच यार इतने पोर्शन में लाई कर सकता है, क्योंकि अल्फा मिनिमम 0 है, 0.0 पॉइंट होगा, मैक्सिमम 2 है तो 2.0 पॉइंट होगा, समझे? अब यहां देखो भैया एच को मैं कहीं भी ले सकता हूं, मैं ऐसा करता हूं एच को भैया यहां पे ले लेता हूं, है सर? दिस इज एच। अब देखिए क्या बोला गया, अब आपसे ये बोला गया कि एच से देखो भैया एक मैंने वर्टिकल लाइन बनाई हुई है, है सर? एच से क्या करा भैया, एक देखो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई हुई है, बहुत सही। अब देखो भैया ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये जो भैया वर्टिकल लाइन है, ये सर इलिप्स को किस पे कट करती है सर, इलिप्स को कट करती है ई पे, और सर इसको किस पे कट करती है सर, इसको कट करती है एफ पे, क्योंकि आपसे बोला गया है ये वर्टिकल लाइन देखो नीचे भी तो कट कर रही है, परंतु साफ तौर पे बोला है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमें सोचना है, इसलिए हमने ई और एफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, जबकि वर्टिकल लाइन नीचे भी भैया कट कर रही है, है सर? हाँ। अब देखिए भैया आपको पता है सर ये एच का क्या कोऑर्डिनेट है, मैंने कहा सर एच का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा जीरो, बहुत सही, मतलब ई भी अल्फा कॉमा समथिंग होगा और भैया एफ भी अल्फा कॉमा समथिंग होगा, है सर? अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, द टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट ई, अब भैया ई पे आपको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है,
ठीक है, बहुत ही ध्यान से जो जो दिया वो चीजें को भी आप फॉलो करनी होती हैं, है सर। चलो भैया अब देखो ई पे सर जो हमने जो सर टेंजेंट बनाया है वो बोला गया है कि एक्स एक्सिस को सर वो पॉइंट जी में काटता है। ये देखो भैया पॉइंट जी है, ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ दिख ही रहा होगा, लेकिन हटा देते हैं, इतना अच्छा कलर देना चाहिए। ये भैया जी, ये देखो इसको भैया जी पॉइंट पे काट रहा है, बहुत सही, टेंजेंट जो हमने बनाई है। अब सपोज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ, बहुत अच्छे, एंड ओरिजिन, एफ और ओरिजिन को जो लाइन भैया ज्वाइन करती है उसका भैया ये एंगल है फाई, ऐसा बोला गया है। ठीक है भाई, इसको फाई बोला गया है। अब भाई साहब याद करो इलिप्स क्या, सर हम ये चीज तो समझ गए हैं क्या सर, ये जो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है, ये भी एकदम देखो थ्योरी बेस्ड सवाल है। जो एफ है ना, एफ भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, है सर। हाँ सर, ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट है सर, किसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है सर? ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ क्या है सर? ई है। मेरी बात क्लियर है? F क्या है? E का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। अब सर ये इनको जब आप ज्वाइन करते हो तो इस एंगल को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, है सर। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। मतलब सर मैं यहां पे लिख सकता हूं जो फाई है सर वो क्या है? मैंने कहा सर वो है इसेंट्रिक एंगल है। बहुत सही। अब बताओ भाई फाई अगर इसेंट्रिक एंगल है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर कि ये जो एफ है ना इसका कोऑर्डिनेट देखो सर, मैं क्या बोल सकता हूं? इसका कोऑर्डिनेट बोल सकता हूं सर 2 cos phi, 2 साइन फाई, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है भाई, एफ का ये कोऑर्डिनेट है। अभी बस खिचड़ी पकने दो, अभी खाएंगे मिलकर, टेंशन ना लो। सर ये जो ई पॉइंट है सर इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? मैंने कहा सर ये जो ई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर 2 cos फाई कॉमा √3 साइन फाई। क्या मेरी बात क्लियर है? ये भैया ई का हो जाएगा, है सर। हाँ अब देखो भैया ये जो टेंजेंट बनी है ई पे, क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? सबको पता है सर टेंजेंट एट ई कैसे लिखा जाता है। तो भैया अगर मैं लिखूंगा टेंजेंट एट ई, बहुत सही। तो देखो भैया ई की टेंजेंट कैसे आएगी? देखो सवाल से बोर मत होना, ठीक है, नंबर बहुत मुश्किल से मिलते हैं तब भी इजी सवाल है। टेंजेंट एट ई, टी बराबर जीरो करना होता है इस पॉइंट के अबाउट। तो आप देखोगे सर ये क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा एक्स कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई साइन फाई डिवाइडेड बाई √3 बराबर कितना आ जाएगा 1। ये भैया टेंजेंट की इक्वेशन है। अब ये देखो जी पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है भाई। ये भैया 2,0, अरे यार रुको रुको, सॉरी सॉरी, अरे भाई साहब सब गायब हो गया। देख रहा कुछ नहीं दिख रहा, सब गायब हो गया। ये क्या हो गया? कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा? कोई ना कुछ तो जुगाड़ अपन सेट करेंगे, टेंशन मत लेना यार, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ अपन लोग सेट करेंगे ही। ये सेंट्रिक एंगल था, अरे यार थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं, इसको ठीक करता हूं फिर री रिकॉर्ड करूंगा। चलो भाई वीडियो देखो मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब ठीक है वो मैंने सही कर दिया फिगर। अब देखो भैया इस वाले सवाल में क्या है, अब आपको समझ में आ रहा है सर? देखो हमें जी पॉइंट निकालना है। देखो भैया हमें एफ चाहिए, हमें एच चाहिए, हमें जी चाहिए। सर एफ एच जी मुझे क्यों चाहिए? एफ एच जी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे मुन्ना आपको हर एक में एफ जी एच मतलब एफ एच जी इसी ट्राइंगल का भाई साहब आपसे एरिया पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। कभी फाई पाई बाई 4 है, कभी फाई पाई बाई 3 है, कभी फाई पाई बाई 6 है, कभी फाई भैया पाई बाई 12 है। पाई बाई 12 का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है सर 15 डिग्री, है सर। हाँ इसका मतलब होता है सर 15 डिग्री, बहुत सही है सर। हाँ अब देखो भैया ये सवाल में आपको पता है सर, सर ये बताइए सर ये जो टेंजेंट है ब्लू वाली जिसकी ये इक्वेशन लिखी हुई है टेंजेंट एट ई, ठीक है, हमें सर जी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? मैंने कहा सर जी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, तो देखो भैया जी के लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें देखो भाई वाई को जीरो पुट करना होगा। अब देखो भैया वाई को जैसे मैं जीरो पुट करूंगा तो देखो एक्स कितना आ जाएगा सर? एक्स आ जाएगा आपका 2/cos φ, है सर। हाँ अगर बेटा वाई जीरो है, अगर बेटा वाई जीरो है तो देखो भैया एक्स है कितना 2/cos φ, है सर। हाँ अब देख लो भैया ये जो जी है क्या हो जाएगा सर? 2/cos φ होता है सर 2 sec φ कॉमा कितना हो जाएगा? 0। सही भाई 2 sec φ कॉमा 0। अब भाई साहब यहाँ पे एक चीज और देखना, क्या
सर ये जो तीनों पॉइंट्स है एफ ई एच, ये देखो इसी भैया वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन में अगर तीन पॉइंट लाई कर रहे हैं मतलब तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट भाई सब सेम होगा, है सर? हाँ, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट एच का है जो अल्फा है मतलब इसका भी अल्फा होना चाहिए, मतलब सर इसका भी अल्फा होना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू 2cos φ है, है सर? हाँ, अब बेटा ध्यान दीजिएगा हमें भाई साहब देखिए FGH का एरिया निकालना है, मेरी बात क्लियर है? किसका एरिया निकालना है? FGH का, जो एक देखो भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, है सर? हाँ, अब यहां मुन्ना बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो मैं करने वाला हूं उसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है सर? हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसी भैया इसी को देखो मैंने कॉपी कर लिया है। अरे अगर रब करेंगे तो फिर से पिछला वाला कांड हो जाएगा। अब वो कांड करने क्या, चलो कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। नीचे का इसमें दिखने लगेगा पर इट्स फाइन। अरे दादा रे, तो बहुत गंदा लग रहा है। अब सही है, इससे ज्यादा नहीं छेड़ेंगे भाई, इससे ज्यादा डोंट छेड़ू, यस इससे ज्यादा नहीं छेड़ना है भैया, बवाल हो जाता है इससे ज्यादा छेड़ने पे, है सर? हाँ, इससे ज्यादा नहीं छेड़ेगा। अब भैया देखो जिसका मुझे एरिया निकालना है FGH ट्राइंगल का, है सर? हाँ, होते सर। हाँ, क्या भैया FGH ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, ठीक है? आजकल मैं कभी भी स्क्रीन को ब्लैक नहीं करूंगा, क्योंकि ब्लैक करते क्या होता है रब करने पे, ये भी तो इंकी लगा रहा हूं ना इसके ऊपर ऐसे, ठीक है? तो पूरा ही हट जाता है, आज मैंने सीख लिया, है सर? हाँ, अब मुन्ना यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, है सर? ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है सर? हाँ, तो बहुत सही, बस ये रखना बेटा, सब कुछ सही करना है। हाँ, अब देखो भैया जिसका आपको देखो एरिया निकालना है वाला ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूं व्हाइट कलर से, ये एफ है, बहुत सही, ये एच है, और सर ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो सर, ये जी है, इसका भाई साहब आपको एरिया निकालना है, बात समझे? और ये देखो भैया राइट एंगल ट्राइंगल, अगर सुंदरता पूर्वक नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सुंदरता पूर्वक दिखाते हैं, हाथ सीधा ही चल रहा है, रुको 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 रुको, ये और ये वाले भैया ट्राइंगल का हमको देखो एरिया निकालना है। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से बेटा मैं बता दे रहा हूं एक चीज है। हाँ सर, यस सर, यस, क्योंकि सर ये एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे ख्याल से दिखने लगा होगा, और देन तो अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है, हल्की सी भी, तो भैया ये चीज आप बहुत फास्ट कर सकते हो। मुझे आपको समझाना तो बीच में ये गड़बड़ हो गई, ठीक है, स्क्रीन में, इसके चक्कर मुझे टाइम लग गया, पर इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है? अब देखो भैया FGH, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप समझ रहे हो सर इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, ये जो भैया एरिया आपको निकालना है FGH का, सर ये किसके बराबर होगा, हाफ, बहुत सही, इंटू बेस, बेस क्या है सर, GH, बहुत सही, इंटू हाइट, हाइट कितनी है सर, हाइट है FH, है सर? हाँ, अब देखो भैया GH कैसे निकलेगा, सर ये पूरा कितना है, जियो, आप समझ रहे हो सर, GH को क्या लिख सकता हूं, गो, GH को देखो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, GH को बेटा मैं लिख सकता हूं जियो, जियो समझ गए ना, ओ जी, समझे, ये जी है ना, ये जी है, ये एच है, ये ओ है, ये एफ है, जियो माइनस एच ओ, बहुत अच्छे, जी एच आ जाएगा। अच्छा एफ एच क्या होगा, हाइट तो भैया 2sin φ होगी, क्योंकि सर एफ पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 2sin φ है, तो हाइट तो सर 2sin φ होगी, बहुत सही, समझ गए? अब देखो जियो कितना है, साफ दिख रहा है सर, जियो कितना है सर, जियो का वैल्यू कितना होगा सर, जियो का वैल्यू होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब सर 2sec φ, थैंक यू। और सर OH क्या होगा, OH सर होगा अल्फा, ठीक है ना, मतलब H का एक्स कोऑर्डिनेट, और अल्फा किसके बराबर है सर, 2cos φ के, बहुत सही, बहुत सही सर, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा वैल्यू पुट करो सर, यह आ जाएगा हाफ, बहुत सही, हाफ, एक चीज तो आप समझ रहे हो सर, क्या सर, ये वाला 2 इसको काट देगा, बहुत सही, जियो कितना है सर, जियो है 2sec φ माइनस cos φ हो जाएगा, 2sec φ माइनस cos φ इंटू sin φ, सर ये है एरिया, समझ गए, ये बेटा क्या है, दिस इज एरिया ऑफ FGH, है सर? हाँ, आइए भैया आप देखो ऑप्शन मैच करते हैं, इसका देखो ऑप्शन मैच करते हैं, वैल्यूज पुट कर करके, जैसे यहां भैया आपको समझ में आ गया सर, जो एरिया है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं FGH का, ये है सर 2 times cos φ, बहुत सही, -sec φ, बहुत सही, और इंटू कितना है सर, sin φ, ये ना यही एरिया मेरे ख्याल से, इंटू कितना भैया, sin φ, 2 times sec φ माइनस cos φ इंटू sin φ, बहुत ज्यादा सही है। हाँ, फिर इसके ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम आखिरी में भैया मैच करा लेंगे, देखा, हाँ ये भी 3 मार्क्स का, देखो 31 नंबर सिक्योर होने वाले हैं,
अब यहां भैया जरा ध्यान से देखिएगा सर क्या ऑप्शन ए के लिए भैया फाइव को कितना पुट करना है पाई बाई फोर, ऑप्शन ए के लिए भैया फाइव को मुझे पुट करना है कितना पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री। अब यहां भैया पाई बाई फोर पुट करो कितना आ जाएगा सर, यह जाएगा टू टाइम्स कॉस फाइव, कॉस फाइव कितना हो जाएगा सर वन बाई रूट टू माइनस सेक फाइव, सेक फाइव कितना हो जाएगा सर रूट टू है सर हाँ, और साइन फाइव कितना हो जाएगा सर साइन फाइव भी हो जाएगा रूट टू, क्या मेरी बात समझे, ये भी हो जाएगा रूट टू। सिंप्लीफाई करो भैया टू रूट टू अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा टू टाइम्स वन माइनस टू, ये रूट टू अंदर भेज दिया तो ये कितना आ रहा है सर, यह आ रहा है माइनस टू, कुछ मिस्टेक होगी क्या, एक रुकना जरा, अरे यार कॉस फाइव नहीं था यहाँ पे था यार सेक फाइव माइनस कॉस फाइव था ना, सेक फाइव माइनस कॉस फाइव, अरे अच्छा अच्छा फिर से लिखते हैं रुकना, सेक फाइव माइनस भैया कॉस फाइव था टू टाइम्स, एक मैं चेक भी कर लेता हूँ सेक फाइव माइनस कॉस फाइव था हाँ सेक फाइव माइनस, इसलिए तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। तो देखो भैया आपको समझ में आ रहा है सर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जैसे भैया वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर देखो टू टाइम्स रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, और बाहर भी कितना होगा भाई बाहर भी होगा वन बाई रूट टू, तो जैसे भी भैया सॉल्व करोगे ये देखो भैया वन आ जाएगा, तो वन आने का सर मतलब क्या है सर देखो वन आने का मतलब ये है कि सर जो फर्स्ट वाली चीज है इसकी मैपिंग होगी सर क्यू के साथ, सही बात है। अब ये यहां पे जरा देख लो क्या क्यू किसी का आंसर इसमें दिख रहा है, फर्स्ट का क्यू मतलब सर ए और बी नहीं हो सकता सिर्फ देखो सी और डी हो सकता है, ठीक है भाई। अब देखो भैया सेकेंड आंसर निकाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड दोनों में डिफरेंट है। अब भाई साहब यहाँ पे और ध्यान दीजिए सर सेकंड कैसे सर चेक करेंगे, मैंने कहा देखो भैया सेकंड चेक करना है तो देखो फाइव को पाई बाई थ्री पुट करना है, तो देखो ये कितना आ जाएगा सर पाई बाई थ्री पुट करोगे ये आ जाएगा सर टू टाइम्स सेक पाई बाई थ्री होता है भैया टू, और कॉस पाई बाई थ्री होता है सर हाफ, और ये होता है सर रूट थ्री बाई टू है सर। तो जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये आप देखोगे सर ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री बाई टू, और स्क्वेयर यूनिट है ये तो क्लियर है क्योंकि एरिया है, तो थ्री रूट थ्री बाई टू मतलब सेकंड का सर कितना आ रहा है सर देखो सेकंड का टी आ रहा है, मतलब देखो आंसर मिल गया यार, बाकी देखो हम लोग को बेटा सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ इन दो में से कोई हो सकता है, मतलब सर देखो इसका ऑप्शन अभी है सी पार्ट क्योंकि सेकंड टी है, बाकी तो देखो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब चाहो तो बेटा इसको आप देखो चेक कर लो, मतलब सर इसको हम लोग कैसे कैसे सर चेक करेंगे, रुकिएगा सर बताइए इसको सर कैसे चेक करेंगे, जानते ही हो सर। अब देखो भैया पाई बाई सिक्स पुट कर दो थर्ड के लिए, थर्ड के लिए क्या करना है सर, थर्ड के लिए आप जानते हो सर हमें एंगल पुट करना है पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, तो पुट करो टू टाइम्स सेक 30 कितना होता है सर टू बाई रूट थ्री, बहुत सही, माइनस कॉस 30 कितना होता है सर रूट थ्री बाई टू, और यह साइन 30 कितना होता है सर ये होता है हाफ। अब इसे सॉल्व करके देख लो फोर माइनस थ्री मतलब ये आ जाएगा शायद वन अपॉन टू रूट थ्री, शायद के यही आ जाएगा, तो देख लो भैया साफ दिख रहा है कि इसका आंसर क्या है सर, इसका आंसर है एस है सर, इसका आंसर क्या है एस। अब देख लो भैया QTS ही तो है, देख लो QTS मतलब सी आंसर है, बाकी तो देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी पर जिसका मन है कर लो। अब लास्ट में देखो 15 डिग्री पुट करना है इसके लिए, तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन हैवी हो सकता है, तो देखो इसके लिए दो चीजें आपको देखो पता होनी चाहिए, क्या दो चीजें बेटा ये पता होनी चाहिए कि सर जो कॉज ऑफ सर जो 15 डिग्री है वो होता है सर रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू, और सर जो साइन ऑफ 15 डिग्री होता है वो होता है सर रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू, और सर जो पाई बाई 12 होता है वही सर 15 डिग्री होता है। ये भैया वैल्यूज आप याद कर लेना, ये सब जेई में भैया पूछ ली जाती हैं, आपको मैं बता रहा हूं सब पूछ ली जाती हैं, ठीक है हाँ। अब जरा भाई साहब और आप ध्यान दीजिएगा, बताइए सर क्या ध्यान देना है, थक गया ठीक है। अब देखिए सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर जैसे आप इसे पुट करोगे पाई बाई 12 तो देखो ये कितना आ जाएगा सर, ये सर आ जाएगा देखो इसका आंसर आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा टू टाइम्स सेक फाइव, तो सेक फाइव आ जाएगा टू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस वन, क्योंकि अगर कॉस का ये है तो सेक इसका रेसिप्रोकल होगा, माइनस कॉस तो सर कॉस क्या हो जाएगा, मैंने कहा कॉस हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट थ्री, इंटू साइन, साइन कितना आ जाएगा सर, साइन आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। आइए बेटा इसे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम पेल्सियम जब लोगे तो देखो भैया कितना आने वाला है, यहाँ टू टाइम्स, यहाँ पे जैसे देखोगे सर ये आ जाएगा देखो एट माइनस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा सर टू रूट टू टाइम्स रूट थ्री प्लस वन, और ये कितना आ जाएगा, ये तो आपको दिया ही है रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ठीक भाई। अब देखिए एक चीज तो आप देख सकते हो सर टू और टू देखो कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करना है सर, आइए सर इसका स्क्वायर करते हैं, तो आप देख रहे हो सर थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री, ठीक है भाई। तो सॉल्व करोगे देखो ये कितना दिखेगा, ये दिखेगा सर फोर माइनस टू रूट थ्री, ये क्या दिखेगा भाई, ये दिखेगा फोर माइनस टू रूट थ्री, ऊपर सिंप्लीफाई कर लेना
डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू टू रूट टू कितना होता है सर, फोर होता है, इंटू कितना है सर रूट थ्री प्लस वन, ठीक है सॉल्व ही करना है, और इंटू कितना है सर रूट थ्री माइनस वन। सर अब तक आपने क्या किया, सर मैंने इसका भाई साहब देखो स्क्वायर किया है, है सर हाँ। अब देखो सर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सिंपल सा है, इसको रैशनलाइज करना है तो रूट थ्री माइनस वन से सर ऊपर मल्टीप्लाई करो और सर रूट थ्री माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई करो। सर आप रैशनलाइज क्यों कर रहे हो, रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो पीछे ऑप्शन में ये देखो सिर्फ नीचे देखो सिर्फ एट है, मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जिसके नीचे रूट वाला टर्म हो, किसी भी ऑप्शन में नीचे देखो रूट वाला, इसमें तो था वो तो ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। और आंसर आपको समझ में आ रहा है, यहां से भी आपको देखो एक चीज बेटा समझ में आ रही है, सर क्या समझ में आ रहा है कि देखो फोर्थ का पी आंसर है, सब में देखो पी पी है, समझे हाँ। तो ये चेक करने की जरूरत तो थी नहीं, दो सॉल्व करके आंसर आ ही गया था। अब देखो भैया क्या है, अब इसे और सिंप्लीफाई करो, व्हाट इज रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, टू, फोर टू जा एट, ध्यान से देखिएगा फोर टू जा एट, बहुत सही। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर, यहां आ जाएगा एट और ये मल्टीप्लाई होकर देखो बना देगा इसको होल स्क्वायर, बहुत सही। अब सर आपको चाहिए सर फोर माइनस टू रूट थ्री, तो भैया ये चीज ध्यान देना सर, ये होता है रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, देखो कितना आता है थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, ये आता है सर फोर माइनस टू रूट थ्री, समझिए ना। अब देख लो भैया इसको भी क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके इसको भी आप लिख सकते हो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सर पावर कितना हो जाएगा फोर, कंसेप्ट हमारा कैलकुलेशन तुम्हारा, और ये देखो भैया इसका आंसर है सर हाँ। होते सर बिल्कुल बढ़िया सर बिल्कुल। तो देखो भैया आपको ये समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से कि सर इसका आंसर है पी, पी का मतलब समझ में आ गया, जरा पीछे जाते हैं एक बार, ये है। तो देखो भैया ये थे इजी किल क्वेश्चन जो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते थे, है सर हाँ। तो देखो अब तक भैया कितना नंबर आपका मैंने सिक्योर कर दिया, आपको समझ में आ रहा है सर, अब तक आपने हमारा 31 मार्क्स सिक्योर कर दिया है। लेकिन सर आपको एक चीज तो पता है क्या, सर आपने बोला था 49 नंबर सिक्योर करोगे, तो भैया जो बाकी के 18 नंबर हैं ये मैं पार्ट टू में करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रख रहा हूं, आपको परेशान नहीं कर रहा हूं मैं, बस यहां पे लिख दे रहा हूं भाई रिमेनिंग 18 मार्क्स, बहुत सही रिमेनिंग 18 मार्क्स, ध्यान से देखिएगा इन नेक्स्ट सेशन, जो भैया नेक्स्ट सेशन आएगा है सर हाँ, होते सर एकदम सही, प्लानर में चेक कर लेना है सर हाँ। तो आप तो 49 बोल लेते, पहले 31 सिक्योर करो है सर हाँ। तो भैया ये था आज का लेक्चर, तो बहुत सारा प्यार मेरे फ्यूचर जेआरएच को, ऐसे ही भाई साहब पढ़ते रहो, भौकाल मचाते रहो, जेई एडवांस में सारे सवाल टफ नहीं होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं जैसे आपके सामने है, है सर होते सर हाँ। तो आज के सेशन में मैंने 55 में से 31 नंबर, 55 जो कट ऑफ था उसमें से 31 नंबर अकेले मैथ्स में आपके बता दिए कि वो इजी थे, फॉर्मुला बेस्ड सवाल थे, आप इजिली भैया कर सकते थे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय बाबा की, लव यू ऑल।